बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय फ्री वेब डेवलपमेंट सेशन व्हिच इज़ कंडक्टेड एवरी सैटरडे 10 PM टू 12 AM पाकिस्तान टाइम। अनफॉर्चुनेटली दिस सेशन इज स्टार्टेड लेट टुडे। You can ask question in English . This session is mainly in Urdu language, but you are welcome to ask questions and we will try to reply as much as possible. So I'll continue further session in Urdu language. Thank you. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सेशन हम स्टार्ट करते हैं और माजरत, इस दफ़ा सेशन तकरीबन 2 घंटे से भी ज़्यादा ये लेट हो गया है किसी मेरी मसरूफियत की वजह से, लेकिन चले शुरू करते हैं। और जैसे कि हमारा पैटर्न है इस हमारे ये सेशन का कि हम इसमें सबसे ज़्यादा तरजीह क्वेश्चन आंसर्स को देते हैं, तो अगर हमें कोई ज्वाइन करेगा सेशन तो हमारी पहली कोशिश यही होगी कि क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस किया जाए। तो अगर क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए जाते तो फिर हम अपने सेशन के दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं कि जिसमें हम अपना एक ट्यूटोरियल हम एक फॉलो कर रहे हैं W3 स्कूल पर, तो वो फिर हमारा फोकस उसकी तरफ चला जाता है। तो अगर तो कोई क्वेश्चन है तो वो पुट किए जाएं, वरना ये है कि हमारा जो नॉर्मल हम सेशन ये जो रिकॉर्ड करते हैं हम उसकी तरफ शुरू कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और भी कैसे हैं? ठीक हैं जी। आते भाई आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई मेरे खाना शादी से ही खा पी के हैं, मुझे लग रहा है खाना खा के हैं शादी। हाँ जी, ये बस कुछ शादियों का ही सीजन चल रहा है। कोरोना लगने लगा, जितनी शादियां करनी है कर लो। हाँ, वो अगले जो है ना वीकेंड की भी दावत मिली हुई है और उससे अगले जो है उस पर भी मतवक्को है और बैन भी मतवक्को है, देखें अब क्या होता है। और जंग भी शुरू हुई है। हाँ वो खबर सुनी है जी, अल्लाह पाक खैर करे। तो आते भी कोई सवाल है तो जी शुरू उधर ही आ रहे जी, बिल्कुल आगे। आमिर भाई इस तरह था कि माशाल्लाह काफी अच्छे सेशन रहे जी लास्ट टाइम आपके, तो आज मैं चाह रहा था कि कोड इग्निटर के ऊपर अगर आप कुछ थोड़ा समय दें। मैंने वैसे इंस्टॉल कर लिया है, अगर आप कहते हैं तो मैं उसको शेयर करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप जैसे बेहतर समझें। और हमें थोड़ा नहीं उसमें फिर मैं ये कि मैं इस तरह करता हूँ कि कोड इग्निटर जो है उसको मैंने अभी अपने इस पे सिस्टम पे भी इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, तो मैं अभी लाइव आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, नज़र आ रही है जी? हमें भी शेयर हो रही है जी। आवाज भी क्लियर है जी? बेहतरीन आवाज आ रही है हमें। अच्छा सही है, फिर मैं ऐसे है कि मैं लाइव, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हमारे जो पहली प्रायोरिटी जो है क्वेश्चन आंसर्स की है, तो आप क्योंकि इसको कोड इग्निटर को ट्राई करना चाह रहे हैं तो मैं भी इसी को कोड इग्निटर की साइट पे जाके इनकी अभी तो वैसे इनका एक लेटेस्ट वर्जन भी आया हुआ है जी, 4 आया हुआ जी, लेकिन हम अभी 4 को देखते हैं। अभी मैं इनकी डॉक्यूमेंटेशन में ये इसके हम क्या रिकमेंड करते हैं जी। हाँ भाई जी, देखें इसको अभी भी ये अपकमिंग वर्जन मतलब कह रहे हैं जी जी, ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है अगरचे बहुत हद तक ये करीब है जो 3 रिकमेंडेड है जी। हाँ भाई जी, वो फिर हम इसको नहीं करेंगे। हाँ जो लोग टेस्टिंग करना चाहते हैं वो ठीक है, इसको टेस्ट करें उनके हिसाब से ठीक है,
लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल वर्क करना है तो फिर उसके लिए आपको ये 3 में ही काम करना चाहिए, जब तक इसको ऑफिशियली ये रिलीज ना करें। हालांकि ये डाउनलोड डायरेक्ट देखिए उसी का दे रहे थे, इस फ्रंट पेज पे भी डाउनलोड जो ऑप्शन दे रहे हैं ये इसी का दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसके फोर का दे रहे हैं, थ्री का भी दे रहे हैं, अगर भी खराब करें तो थ्री का भी जी, दे रहे हैं। तो वो हम इसी को डाउनलोड करते हैं। और मेरे पास क्योंकि ये WW का फोल्डर इस पे सेटअप ये हुआ हुआ है मेरे पास, तो मैं इसको वहीं पे शिफ्ट करता हूँ। फाइल तो इसकी ये ठीक छोटी सी, इनकी ये डॉक्यूमेंटेशन आप देखें, डॉक्यूमेंटेशन इनकी अमूमन काफ़ी अच्छी होती है। और यहाँ पे मैं इसको एक्सट्रैक्ट यहीं पे करता हूँ, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको यहाँ से कट करता हूँ। और मेरे पास जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप है, तो आपके पास हो सकता है कि आप इसको सेटअप कर रहे हों लोकली है। विंडोज़ पे, या हो सकता है मैक आपके पास है, यानी जो भी आपके पास इन्वायरमेंट है आप उस पे अपना वेब सर्वर बनाएं, और उसके बाद आपको जो भी आपके ये फाइल्स रखने की जगह है तो वहाँ पे आप इस फोल्डर को रखें। एक तो इसको हम ट्राई करते हैं, देखें मुख्तलिफ चीज़ें, जब ऐसे मेरे पास लोकल होस्ट स्लैश आमिर के फोल्डर में ये कॉपी है, तो यहाँ पे देखिए अभी मुझे ये इसने शो ही नहीं किया। तो यहाँ पे लिनक्स में क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रक्चर और मुश्किल होता है, तो कई बंदे तो यहीं से वापस हो जाते हैं कि भाई नज़र नहीं आई ये फाइल्स। तो इसमें हम देखें परमिशंस का एक चक्कर होता है, इसमें हम परमिशन में आते हैं तो देखते हैं कि क्योंकि अभी मैंने ये इसको कॉपी किया है, इसका ऑनर ये वाला यूज़र है, ग्रुप भी रोशन टेक है, और इसमें भी देखिए एक्सेस नन किया हुआ है। लेकिन जो ज़्यादा अहम चीज़ है वो ये है कि अदर्स के भी एक्सेस नन है। तो अमूमन हम ये करते हैं कि डिपेंड करता है आप ग्रुप को एक्सेस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, ये रीड राइट दोनों एक्सेस डिपेंड करता है, लेकिन मैं अभी के लिए इसको एक्सेस जो है वो अलाउ कर देता हूँ। तो इस पे हम देखते हैं कि अभी जिस तरह यहाँ पे इसको एक्सेस फाइल और सेकंड हम ये रीड ओनली की एक्सेस दे देते हैं, रीड एंड राइट बोथ। मैं इसको शायद एक दफ़ा दे के फिर इधर आऊँ क्योंकि ये किसी वजह से रुक नहीं रहा है, लेकिन चले मैं इसको ट्राई करता हूँ। और मैं ये करूँगा कि अप्लाई परमिशंस टू इनक्लोज्ड फाइल्स, तो इसमें मुझे ये फ़ायदा होगा कि इसकी जो इंटरनल जो आगे पूरा स्ट्रक्चर है ये सब के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। तो इसमें हम एहतियातन एक फाइल को देख के चेक कर लेते हैं कि परमिशंस, यहाँ तक देखें रीड ओनली की हमें परमिशंस यहाँ पे ये अप्लाई हो गई हैं। आमिर भी एक थोड़ा फेवर करें जी जरा। आमिर भी जो आप अपने वाले जो जो नाम है आपका आ रहे आमिर शिनाज, दो नाम आ रहे, उस एक नाम पे करके जरा पिन कर दें, ताकि वो तस्वीर जो है ना उसे उसकी मतलब उस शार्पनेस आ रही है, तो वो जरा क्लियर आ जाए जरा। मुझे समझ नहीं आई बात आपकी, किस तरह? जो आपकी ये जो बने हुए ना आपके मीटिंग डिटेल आ रहे हैं जिसमें 4 पीपल आ रहे हैं, जी, इसमें आमिर भाई अपने जो अपना अकाउंट है जिसपे आप ये वीडियो प्ले कर रहे हैं, सॉरी अपना ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उस पर क्लिक करके पिन का बटन उस पर लगा होगा, पिन दबा दें ताकि वो तस्वीर की सफाई जरा आ जाए जरा। तो पिन मैं पहले कर चुका हूँ उसको। अच्छा चले, वो जी असल में थोड़ा आज अच्छा नहीं, वो साफ नहीं आ रहा, वो मुझे समझ नहीं आ रही, कोई रेजोल्यूशन कोई साफ नहीं आ रही। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ और लोगों ने सेशन ज्वाइन किया है और मुझे नहीं पता ये उर्दू, इनको उर्दू समझ आती है कि नहीं। मुझे लग नहीं रहा, आप उनसे पूछ लें इंग्लिश में कुछ। जी हेलो, वेलकम टू माय सेशन, आई एम सीइंग फ्यू न्यू यूजर्स, आई डोंट नो इफ यू कैन स्पीक उर्दू और नॉट, इफ यू कैन स्पीक इंग्लिश यू कैन आस्क क्वेश्चन, अदरवाइज कीप लिसनिंग अवर सेशन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम यू कैन आस्क स्ट्रेट अवे। तो ठीक है आते भाई, इसमें
जिस तरह के मैं परमिशंस का देख रहा था, तो यहाँ पे अब ये उसकी परमिशंस शो कर रहा है कि इसको आप देख सकते हैं। तो मैं फिर भी इसकी वो फुल जिस तरह मैं चाह रहा था वैसे मूवमेंट ये हम इस तरह करते हैं, तो ये लिस्ट यहीं पे ये रुकता है, इस तरह अभी रुक रहा है। तो पहले ये पता नहीं किसी वजह से ये नहीं रुक रहा था। बहरहाल जब अप्लाई करते हैं तो ये फिर ऐसे ही हो जाता है। तो अभी हम ये तवक्को कर सकते हैं कि ये हमें नज़र आएगी लोकल होस्ट पे, हमें ये नज़र आनी चाहिए। अभी मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो अभी हमें ये डायरेक्टरी नज़र आ रही है। अच्छा, इसमें एक और अच्छी बात है आते भाई, अगर आप ये देखें ना, ये यूज़र गाइड वाली ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने यहीं पे दी हुई है। जी तो बिल्कुल दिए। जी ये बहुत अच्छी बात है इनकी, क्योंकि वैसे अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा एक हेडेक होता है कि अगर आपको कुछ पता नहीं है। तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन एक तरीका तो ये है कि आप वहीं से यहीं से आप इस तरह खोल सकते हैं, या फिर जी ये है कि इसका नाम कॉपी कर लें और वहीं पे आप एड्रेस में लिखें, तो तब भी या फिर नीचे भी लिखा हो, जैसे जी नीचे लिखा हो ओपन यूगो गाइड लिखा। जी ओपन हो जानी चाहिए। तो जी इसको हम नई टैब में इसको हम ओपन रहने देते हैं, और यहाँ पे कोऑर्डिनेटर की देखें, इसमें थोड़े से फीचर्स वाइज इसकी देखें, बहुत अच्छी बात इसकी है कि ये इसको ऑलमोस्ट कहते हैं कॉपी पेस्ट, यानी आपको इसको सर्वर पे जी कॉपी पेस्ट कर दें तो ये जी वहीं से ऐसे ही चलना शुरू हो जाएगा। जी तो थोड़ा सा हम इसका अभी, क्योंकि इंस्टॉलेशन तो देखें इसकी ऑलमोस्ट हो गई है, जो बेसिक इंस्टॉलेशन है ना वो हो गई है। अभी इसमें हम डेटाबेस की चीज़ें करनी, उसकी ज़रूरत है, हाँ, बाकी लेकिन ये नीचे भी लिखा हुआ है, यूज़र ठीक गाइड का है। देखें लिंक जहाँ पे भी पड़ा हुआ है। वैसे मैंने, ये कह रहा हूँ, ये इस पे क्लिक कर दे ताकि ये हाँ जरा वो बेहतर हो जाए। एक्स्ट्रा जी मेहनत की है मैंने, लेकिन चलें जी एक ही बात है। तो अभी हम इसमें देखें यहाँ पे क्या ये कह रहा है जी, एक वेलकम कह रहा है, द पेज यू आर लुकिंग एट इज़ बीइंग जनरेटेड बाई डायनेमिकली बाई कोऑर्डिनेटर, ठीक हो गई, इसे जनरेट हुआ डायनेमिकली, यू लाइक टू एडिट दिस पेज, यू विल फाइंड इट लोकेटेड एट। तो हमारी अब देखें ये स्ट्रक्चर का इसका बता रहा है कि कहाँ पे ये इसको चेंज अगर करना है तो ये कहाँ पे करना है। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं बल्कि इसको ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे फाइल्स अपने फाइलिंग इसके ये खोल लेता हूँ, सबलाइम टेक्स्ट, इसमें मैं प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ। तो इसमें ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ये फोल्डर अगर ओपन कर लेना, जी ये बेहतर रहेगा। आपको नज़र आ रहा है? जी अगर भी नजर आ रहा है, आज रेजोल्यूशन थोड़ी वीक है, पता नहीं क्या कह सकता। अच्छा पता नहीं, ये देखें यहाँ पे मुझे ये मैसेज शो कर रहा है, यू आर नो लॉन्गर प्रेजेंटिंग, योर स्क्रीन इज स्टिल विजिबल वाइल समवन एल्स इज प्रेजेंटिंग, क्लिक हियर टू रिटर्न टू। अब वो एक बंदा था, वो पहले आया हुआ था, बार बार आपको कह रहा था कि मैं प्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूँ। अच्छा मुझे खैर मैसेज नज़र नहीं आया, मैं बहरहाल चले, मैं पहले अपना ये जो काम हम कर रहे हैं उसी की तरफ मैं आप फोकस, करेंगे प्रेजेंट तो भाई साहब तभी करेंगे जब ज़रूरत पेश आएगी ना किसी और को, तो तब चांस मिलेगा ना। जी तो ठीक। अच्छा इसमें देखिए ये आप यही जो कोड एडिटर है इसको भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी, मतलब इसमें चॉइस आपके पास अपनी है कि आप कौन सा कोड एडिटर करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सेटिंग भाई साहब वो चले गए हैं, ये जी कोई चला गया। बोट वगैरह ना हो, क्योंकि मुझे इस चीज़ का भी शक था। अच्छा ये क्या जी बोट वगैरह भी हो सकते हैं, रिज्यूम प्रेजेंटिंग कुछ बोट वगैरह भी बाज़ूकात होते हैं, जो पता नहीं देखें वो इन आउट हो रहा है, कोई मसला ही ना कुछ हो रहा हो, लेकिन बहरहाल चले हम ये कंटिन्यू ही करते हैं। और अभी क्योंकि दोबारा वैसे ज्वाइन करें तो वो आना चाहिए ना, कि आप अलाउ करना चाहिए। चलें एनीवे, तो हम इस फाइल तक कंट्रोल लेके जाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं एप्लीकेशन और इसमें व्यू, और व्यू में यहाँ पे इन्होंने कहा था वेलकम का, वेलकम मैसेज डॉट PHP, वेलकम अंडरस्कोर मैसेज डॉट PHP। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ रही है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप कोड इग्निटर में काम करना चाहते हैं तो आपको एक बात तो बिल्कुल समझ आएगी कि आपको पहले HTML
CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP इन चीज़ों का पता हो। जी तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता हैं तो आपके लिए ये फिर इसको समझना मुसीबत से खाली नहीं है। जी तो यहाँ पे तो खैर इन्होंने सिर्फ बताया कि इस फाइल में चेंज करेंगे तो वहाँ पे ये नज़र आएगी। तो मिसाल के तौर पे हम अभी ये CSS वाला पार्ट स्किप करते हैं। यहाँ पे मसलन शुरू में मैं टू लिख देता हूँ। वैसे अपने यानी अपने आप को असल में तसल्ली देते हैं कि ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो देखिए हम ऊपर टू लिखा हुआ आ गया है। तो ये CSS पार्ट को अभी हम स्किप करते हैं। तो ठीक है जी जी यहाँ पे वैसे एक जगह पे वैसे तो हमें समझ आ गई है चेंजेस जो हैं वो हो रही हैं। तो फाइल ठीक है यही भाई। है। लेकिन इसमें अब एक और बात जो यहाँ पे अभी इन्होंने मेंशन शायद की हुई है, द करस्पॉन्डिंग कंट्रोलर फॉर दिस पेज इज़ फाउंड एट, तो वो कंट्रोलर्स के अंदर है। तो हम उसके कंट्रोलर को भी खोल देते हैं ताकि थोड़ा सी और पिक्चर हमारी वाजह हो जाएगी। तो ये कंट्रोलर्स के अंदर वेलकम ही नाम होना चाहिए। जी वेलकम ही है। वेलकम है तो यहाँ पे ये फिर आप देखें ये यहाँ से होके आ रही है। तो अब इसमें एक इसमें स्ट्रक्चर इसका समझने की ज़रूरत है कि वो ये है कि आपने कोई भी कंट्रोलर बनाना है यहाँ पे आपकी मर्ज़ी का नाम होगा। इधर हम ऐसे ही लिखेंगे एक्सटेंड्स, और ये इनका इंटरनल एक कंट्रोलर इन्होंने बनाया हुआ है जिससे वो चीज़ें इनहेरिट करता है। तो ये तो कमेंट्स हैं, इसको हम स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जी नाम लिखा है इंडेक्स। तो ये बेसिकली आपका ये वाला नाम है। यहाँ पे खैर अभी एक और चीज़ भी हुई हुई है, वो फिर आपको मैं अभी शेयर करता हूँ आपके साथ। ठीक तो इसको अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें तो हम इसको मैं ये डॉक्यूमेंटेशन को मैं अभी साइट पे कर देता हूँ। तो दूसरे अल्फाज में अगर आपने वैसे नॉर्मली कोई एक्सेस करनी है इसमें कंट्रोलर के कोई एक्शन, ये उसके एक्शंस हैं डिफरेंट, ठीक है तो इसमें आपने पहले लिखना है कंट्रोलर का नाम लिखना है। जिस तरह के यहाँ पे कंट्रोलर का नाम वेलकम है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और उम्मीद है कि हो सकता है इसमें एरर आए क्योंकि अभी कुछ चीज़ें इसमें हाँ इसमें अभी हमारे पास कुछ चीज़ें नहीं हुई हुई हैं इस वजह से। तो यहाँ पे मैं एक बीच में मुझे एक्स्ट्रा चीज़ लिखनी पड़ेगी, इंडेक्स डॉट पी एच पी। अच्छा ये लिखा है मैंने और वेलकम के बाद ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ लिखी है। नॉर्मली हमने ये URL में नज़र नहीं आनी चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। बात URL जी थोड़ा सा अजीब लगता है ना बीच में, ये आपके फाइल का नाम आ रहा है। तो ये हम इसमें HTXS फाइल या सेटिंग्स में जाके इसको हम फिक्स कर सकते हैं, इसको हम बाद में देखते हैं, अभी इसको हम रहने देते हैं। तो जिस तरह मैं कह रहा था वेलकम, और ये इसका एक्शन है इंडेक्स। तो अभी देखिए ये इस तरह भी ओपन हुआ है, इसके बगैर भी ये ओपन हो रहा है, यानी ये दो तीन सूरतों में ओपन हो रहा है। इसको मैं वो उसकी सारी सूरतें जो है ना वो ओपन रखता हूँ। जिस तरह की पहली सूरत ये है, दूसरी सूरत ये है, तीसरी सूरत ये है, और चौथी सूरत देखें इसके साथ भी है। तो ये आप चीज़ फॉलो कर रहे हैं आदि भाई, जी या अगर कोई और भी देख रहा है तो ये फॉलो करने की ज़रूरत है कि ये एक ही पेज इन चारों सूरतों में दिखा रहा है। तो उसकी वजह ये कि हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन में हमने एक कंट्रोलर, डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर मेंशन किया हुआ है। यस 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 तो उस ठीक है वेलकम कंट्रोलर का नाम है वेलकम, है। ठीक है। और हर कंट्रोलर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स वाला एक्शन खुद ब खुद लोड होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स वाला एक्शन खुद ब खुद लोड होता है। तो इसलिए पूरा लिखें या स्किप कर दें लिखना इसका, या आपने डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर दिया हुआ है तो फिर आप कंट्रोलर का नाम भी स्किप कर दें तब भी ठीक है। और यहाँ पे इंडेक्स डॉट पी एच पी एक और वजह से हमें लिखने की ज़रूरत पड़ रही है, वो राउटिंग का एक इशू है। तो इसको हम अमूमन लाइव सर्वर पे फिक्स करते होते हैं। तो अभी मैं इसको फिक्स करने के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, थोड़ा सा आपको ये स्ट्रक्चर मैं बताना चाहता हूँ। तो इसमें एक इसमें कन्फिग फाइल है, उसमें हम जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये अच्छा आप देखें यहाँ पे जो इन्होंने एक ये काम किया है, तो इसको अगर मैं जी कमेंट कर दूँ ना तो आपका ये पेज एम्प्टी हो जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट जिस तरह आप अगर आपको PHP आती है तो इको आप लिखें कुछ भी, वेलकम लिख दें, तो ये वेलकम एज इट इज़ नज़र आ जाना चाहिए, ठीक हो गया। इसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ और ये लोड उसको इस व्यू वाले
फोल्डर से कर रहा है, और यहाँ पे व्यू का हमने नाम लिखा हुआ है, यही नाम है वेलकम अंडर स्कोर मैसेज डॉट पी एच पी। तो यहाँ पे डॉट पी एच पी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये इसकी मकसद ये होता है कि आपके जो कंट्रोलर हैं, व्यू हैं, एम वी सी हम बोलते हैं एक लफ्ज़, मॉडल व्यू कंट्रोलर, आपने शायद सुना हो। जी जी सुना मैं। तो जो और सुनने वाले बंदे हैं जो मेरी बात हो सकता है उनको ना पता हो, तो ये आपके वैसे आप एक ही फाइल में सारा कोड भी लिख सकते हैं, तो कोड में आप समझे ये बात कि खिचड़ी सी बन जाती है कि आपका जो डेटाबेस रिलेटेड कोड है वो, आपका जो कंट्रोलिंग कोड है वो, आपका जो व्यू का कोड है डिस्प्ले जो आपने यूजर्स को दिखाने हैं, वो सारा कोड मिक्सअप हो जाता है। तो इसके लिए हम ये सेपरेशन करते हैं और इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर को मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो ये आपका एक कंट्रोलर है, अभी मॉडल के साथ हमने कोई काम नहीं किया, यहाँ पे मॉडल का भी एक फोल्डर है उसमें हम बाद में देखते हैं। तो पहले हम ये इसके मसले हल करते हैं कि ये कन्फिग के फोल्डर में आप आएँ, तो यहाँ पे कन्फिग डॉट पी एच पी एक फाइल है और इसमें इसमें हम स्क्रॉल करते हैं। अगर इसमें नहीं बल्कि मैं फिर राउट्स के अंदर होना चाहिए, तो इसमें हम देखें यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर जो है वो वेलकम है। ठीक है ठीक है, सही हो गया। तो ये उसकी वजह से उसको बाय डिफ़ॉल्ट लोड कर रहा है। तो अगर इस लाइन को अगर हम कमेंट कर दें तो फिर हमें इश्यूज आएंगे। तो इस जगह तो इशू नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे भी आना चाहिए, क्योंकि कोई भी अभी डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर मेंशन नहीं है। अब मेंशन हुआ है तो अभी ये चलेंगी चीज़ें। तो ये चीज़ आपको एक थोड़ी सी नोट करने वाली है। बाकी मुख्तलिफ किस्म की कॉन्फ़िगरेशन, ये कन्फिग जो है इसके अंदर होती है, इसमें हमें सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए अमूमन हम बाकी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। यानी जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह सेशन रिलेटेड वहाँ पे ऊपर एक चीज़ थी वो हम तभी मेंशन करते हैं, तो डेटाबेस की चीज़ें भी हम ये मेंशन करते हैं जब आप डेटाबेस का इससे कोई काम लेते हैं। तो अभी इसमें डेटाबेस को मेंशन करने की ज़रूरत है या नहीं है मैं देखता हूँ, एक मिनट। तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन, तो डेटाबेस का ये है कि यहाँ पे जिस तरह लोकल होस्ट पे मैंने पी एच पी माई एडमिन को भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है, पी एच पी माई एडमिन, तो ये इससे भी कर सकते हैं, कंसोल से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। कंसोल से ये है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ये एक लिहाज से इंटरफेस है वेब बेस्ड, तो इसमें ज़्यादा बेहतर आपका सिक्योरिटी वाइज, वैसे तो आप ये रूट यूज़र के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अगर आप सिक्योरिटी चाहते हैं तो बजाय इसके कि आप सिंपली रूट यूज़र को इस्तेमाल करें सब जगह, उसमें ज़्यादा अच्छा है फिर ये है कि आप एक यूज़र बना लें। जो भी आप ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं ना, मसलन मैं इसको कोड इग्निटर के नाम से एक यूज़र बनाता हूँ, आते भी आपको शायद ये चीज़ नहीं पता होगी, मुझे पता है। अच्छा, ये यूज़र वगैरह आपने बनाए हुए हैं यहाँ पे? जी अभी भी मैंने ये इसको एडिट किया हुआ है रूट को। आपने रूट को एडिट किया था? मैंने जी सेट किया था। अच्छा चलें, बहरहाल इसमें बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उतने आप इसमें यूज़र बना लें, ठीक है। तो मैं ये यूज़र नेम इसका यही रहने देता हूँ, और यहाँ पे एक चेक बॉक्स है क्रिएट डेटाबेस विद द सेम नेम एंड ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस, तो ये इसको टिक कर देता हूँ। तो इसमें ये होगा कि इसी नाम से एक यूज़र बनाएगा, और होस्ट अभी तो ये सारे ही ले लेगा, लोकल होस्ट ही मेन मकसद है हमारा देने का। तो यहाँ पे पासवर्ड इसको हम कहते हैं कि ये जनरेट कर दे, तो ये इसने पासवर्ड जनरेट किया है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस पासवर्ड को पहले यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि ये मिस ना हो जाए, और फिर इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, और बाकी आपकी डिपेंड करता है आप और इसको एक्सेस देना चाहते हैं या नहीं, लेकिन मैं अभी इसको अगर भी ये जो आप जनरेट कर रहे हैं तो इसके बगैर ठीक नहीं है, तो इसको क्या फ़ायदा है इस पासवर्ड का? इसके मैं आप एक मिनट बताता हूँ, ये बन जाए ना यूज़र, अब देखिए ये यूज़र और डेटाबेस बन गई है,
अब ठीक देखें है लेफ्ट जी। साइड पे एक नई डेटाबेस बन गई है, और यूजर्स की अब लिस्ट में जाएं तो यहाँ पे एक यूज़र भी बन गया है ऊपर आए टॉप पे कोऑर्डिनेटर के नाम से। तो मैं इसका देखें यहाँ पे यूज़र नेम, मैं इसका यूज़र नेम मेंशन कर देता हूँ, और डेटाबेस का नाम भी सेम इसी नाम से हुआ है। तो ये लाइव सर्वर पे अमूमन इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आपको डेटाबेस का सेपरेट दिया जाता है यूज़र। तो इसमें ठीक देखें है आप फ़ायदा क्या है कि मैं इससे लॉग आउट होता हूँ। देखें यहाँ पे आप, आपका लोकली आपने होस्ट किया हुआ है या सर्वर पे ही किया हुआ है, तो आपने एक एप्लीकेशन किसी दोस्त को या क्लाइंट को बना के दिया, तो उसको आपने ये वाली चीज़ एक्सेस दिया, बजाय इसके कि रूट उसको आप यूज़र दें तो ये यूज़र दिया है। तो मैं यहाँ पे इसी यूज़र को लिखता हूँ, और पासवर्ड जो वो उसने जनरेट किया था कम्प्लेक्स सा, वही वाला आप जहाँ पे डालें और गो करें। पासवर्ड उसने शायद गलत कोई सेव किया है, मैं बहरहाल पहले से इसीलिए नोट किया था कि ये गलती हो जाती है। तो इसको मैं अब गो करता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं अपडेट कर देता हूँ ताकि वो सही। तो इसमें देखें ये सिर्फ इसको एक ही डेटाबेस नज़र आ रही है, जी। तो इसमें एक तो आपकी ये सिक्योरिटी के हिसाब से अच्छा हो गया है, ठीक है, ये और डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता, ये एप्लीकेशन सिर्फ एक डेटाबेस को एक्सेस कर सकती है, एक तो ये इसका एडवांटेज हो गया, ठीक ठीक है। है और दूसरी बात ये है कि अगर आपकी होस्टिंग या फाइल सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस डेटाबेस की फाइल को एक्सेस करेगी, ठीक है, जी। यानी इसका उसको डेटाबेस का पासवर्ड नहीं पता है, फिजिकल सर्वर पे उसको एक्सेस मिल जाती है किसी तरीके से, तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इस डेटाबेस के यूज़र और पासवर्ड पता लग सकता है, उसको रूट का पासवर्ड नहीं पता लग सकता। ठीक है फॉलो कर रहे हैं, ये सिक्योरिटी वाइज ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है। जितनी एप्लीकेशंस हैं उतने ही आप यूज़र बनाएं डेटाबेस में। तो आगे ठीक आप है डेटाबेस इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, अब इस यूज़र के लिए आप दो तीन चार और भी बना लें डेटाबेस, लेकिन चलें एक इसके लिए यही है। तो एक इसका एडवांटेज ये हो गया है। तो अभी मैं इसको रीलोड करूँगा तो शायद यहाँ पे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, क्योंकि डेटाबेस रिलेटेड हमने कुछ भी एक्टिविटी अभी नहीं की है। तो अभी हम ये करते हैं आते भाई कि यहाँ पे अपनी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और व्यू बना ये इसमें बनाते हैं। हमें भी ये फेवर कर दें अभी क्योंकि सेशन वही चल रहा है। अगर हम वेबसाइट के ऊपर अगर फर्स्ट करें मेरे पास डोमेन है डोमेन के ऊपर मैं ये एक अकाउंट बनाता हूँ इसी का तो मतलब उस पे जो अभी रूट वगैरह बनाया तो उसमें भी मुझे इसी तरह बनाना पड़ेगा सारा ये कॉपी पेस्ट कर दूँ उसको। देखिए आप होस्टिंग की फिर बहुत सारी अब किस्में है ना, अगर आपके पास सी पैनल वाली होस्टिंग है उसका तो एक आसान तरीका उसमें है, ये विजर्ड से एक आता है डेटाबेस का, तो उसमें आप ये बना सकते हैं डेटाबेस। ठीक तो है अगर आपने वीपीएस सर्वर लिया हुआ है तो उसमें तो फिर ईच एंड एवरीथिंग आपने खुद मैनेज करनी है, अच्छा इवन के आपको एक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम वो दे देते हैं, बाकी आपने फुल फ्लैज उसको खुद करना है कन्फिगर, आपने अच्छा उसको वेब सर्वर बनाना है नहीं बनाना है, एसएसएच उसमें इनेबल करनी है नहीं करनी है, वन टू ऑल आपने चीज़ें करनी है खुद। तो इसमें हम देखें एक और हम इसमें एक्शन बना रहे हैं, ये मैंने बताया था एक्शन है, और इंडेक्स के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉल होता है। तो ठीक है ठीक एक हम ये बना रहे हैं, और यहाँ पे मैं इसी को भी पेस्ट करता हूँ लाइन को, लेकिन इसको इसको भी नाम मैं टेस्ट वन ही रख देता हूँ वैसे अपनी आसानी के लिए। तो है अब मैंने ये वाला व्यू यहाँ पे न्यू फाइल देखिए मैं बना रहा हूँ, और इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ इसी पोजीशन पे, टेस्ट वन डॉट पीएचपी, ठीक हो गया जी। जी। और इसमें कुछ भी मैं अभी वैसे वैसे आपको पता है कि हमारे ये एच टी एम एल का ये फ़ायदा ये है कि वो आप अगर वैसे कुछ भी लिख दें तो वो एज इट इज़ दिखा देता है, यानी उस पर वो ज़्यादा आपको फोर्स नहीं करता है कि आप उसके रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि पैटर्न को फॉलो करें ही करें। तो अब कंट्रोलर तो यही है, तो यहाँ पे टेस्ट वन हो जाएगा, यानी हमने अब एच टी एम एल पूरी नहीं लिखी है, जिस तरह वो एच टी एम एल का स्ट्रक्चर होता है उसको ये हमें फॉलो करना चाहिए था।
भी ये आसान हो गया इस तरह देखा जाए, अगर ये थोड़ी सी आ जाए तो बहुत आसान है जी अब इसको देखें यहाँ काम पे करना मैंने हमारा। एक छोटी सी चीज़ किया है यहाँ पे, ये कोड इग्निटर में ये क्या कहते हैं ये सबलाइम टेक्स्ट में ये ऑप्शन है कि आप इसमें यहाँ पे HTML लिख के टैब दबाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जी ये फिल अप कर देता है चीज़ें, तो बिल्कुल इसको हम ऐसे ही बॉडी में लिख देते हैं और पैराग्राफ में लिख देते हैं, थोड़ा सा ये ऑर्गेनाइज हो गया है बस। तो यहाँ पे ऊपर में टेस्ट लिख दिया है तो बज़ाहिर तो पैराग्राफ की वजह से ज़रा सी ये पैडिंग या मार्जिन या पैडिंग कुछ आई है चीज़, तो ऊपर देखें टाइटल में भी आ गया तो थोड़ा सा फिर ज़्यादा बेहतर हो गया। अब ये HTML और ख़ास तौर पे ये भी HTML5 के फॉर्मेट में आ गया, पहले जी हाँ सिंपल टेक्स्ट फाइल आप जैसे लिखी हुई थी उसने एज इट इज़ शो कर दिया है। तो अभी इसकी हम डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हैं क्योंकि मुझे भी इसकी अब सारी चीज़ें ज़बानी याद नहीं है, तो थोड़ा सा मैं डेटाबेस की इसमें कुछ चीज़ करना चाह रहा था उस वजह से। बाकी ये डिटेल्स हैं और इंस्टॉलेशन हम कर चुके हैं, ये पार्ट हम स्किप करते हैं, डाउनलोड वाला ये भी स्किप करते हैं, कोऑर्डिनेटर ओवरव्यू पे आते हैं, गेटिंग स्टार्टेड। क्योंकि आपने काम करना है तो आपको अपनी रेलेवेंट चीज़ें फिर निकालनी पड़ती हैं। एप्लीकेशन देखिए इंडेक्स फाइल का बीच में रोल है, इसको हम आरजी तौर पे हाइड कर देते होते हैं लेकिन ये बीच में इस्तेमाल हो रही होती है। मॉडल व्यू कंट्रोलर अप्रोच का हमें पता लग गया है और ट्यूटोरियल पे जाते हैं, ये चीज़ सही है तो ट्यूटोरियल को हम फॉलो करते हैं। स्टैटिक पेज जिस तरह एक पेज के नाम से बनाया है, एक व्यू बनाया है और व्यू के अंदर ये कोड लिखा है, व्यू टेम्पलेट, और ये हेडर में लिखा है और ये फुटर में लिखा है कोड, और यहाँ पे अब ये वेरिएबल इसको पास कर रहे हैं। अब देखिए व्यूज एक से ज़्यादा लोड कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि खुद ही इसमें हेडर और फुटर के लिए एक व्यूज़ बना लिए हैं, क्योंकि ये अमूमन कॉमन होती हैं चीज़ें आपके हेडर फुटर आपकी बाकी पेजेस के हिसाब से ना कॉमन होती हैं, वो फिर इन्होंने अलग से हेडर और फुटर के ये बना दिए हैं तो एक टेम्पलेट के फोल्डर के अंदर बनाई है। तो ये फिर आप समझे कि यहाँ पे व्यू के अंदर एक टेम्पलेट का फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर ये फाइल बनाई है। खैर अभी हम इसको भी स्किप करते हैं क्योंकि मेरा भी फोकस फोकस ही सीधा डेटाबेस के रिलेटेड कुछ एक्टिविटी है। तो डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर जैसे वहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है और एक राउट इन्होंने और मेंशन किया है, कोऑर्डिनेट इट्स राउट्स रूलिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, और सबसे पहले ये इसको फॉलो करेगा और अच्छा राउटिंग के ऊपर अलग से डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन अभी हम इसको स्किप करते हैं। वाइल्ड कार्ड एनी एंड पास द पैरामीटर टू व्यू, अच्छा तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई भी अगर इसके अलावा कोई ऊपर URL में आप लिखते हैं तो वो सारे के सारा पेजेस के व्यू कंट्रोलर को बाय डिफ़ॉल्ट जाएगा। हो सकता है ऊपर कुछ कुछ भी URL में लिख दें, ठीक है। तो इसको हम स्किप करते हैं। न्यू सेशन, अच्छा देखिए अब यहाँ पे ये डेटाबेस को लोड करने की एक ऑप्शन आ रही है, न्यू सेक्शन इन द लास्ट सेक्शन सेटअप योर मॉडल इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेटाबेस ऑपरेशन राइट इन द कंट्रोलर, तो कंट्रोलर के अंदर नहीं लिखना चाहिए, कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, और बाकी यहाँ पे तफसील भी है। तो हम इसके न्यूज़ के नाम से ये एक डेटाबेस बनाते हैं, मतलब डेटाबेस तो खैर बनी हुई है, टेबल हम बनाते हैं इसमें न्यूज़ के नाम से, बेशक ये मेरे ख्याल लोअर में ही हो जाए और 4 कॉलम्स ही रहने देता हूँ मैं।
अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर वहाँ पे देखना पड़ेगा, वो कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। मैं इस क्यूरी को कॉपी कर लेता हूँ, और बजाय इसके कि ये नॉर्मल जिस तरीके से हम जिस तरह बनाते हैं उसके बजाय मैं ये क्यूरी यहाँ पे डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, काम आसान हो गया ना उस तरह, बल्कि हम करते तो हमें फिर फॉलो उसके करने हाँ पड़ते ही। तो ये स्ट्रक्चर हमें वो कॉपी पेस्ट से काम बन गया है। अच्छा अभी देखें कि गेट न्यूज़ का एक फंक्शन है, फिर डिस्प्ले न्यूज़ का है, तो इसको हम कॉपी करते हैं। देखिए अब अभी हम इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करते जा रहे हैं। कंट्रोलर में यहीं पे हम ये टेस्ट वन में काम करना है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और ये इनकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, क्योंकि हमने अपने हिसाब से, सिर्फ हमारा मकसद ये है कि हम जल्दी से चेक कर लें। तो हमारा मकसद क्यूरी है, तो हम जल्द से जल्द ही करना चाहते हैं, और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये लोड हो जाए, तो इसको मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे ख्याल है इन्होंने यहाँ पे फंक्शन लिखा है डाटा, तो हम इसमें इसमें ये फाइल हम बनाते हैं, मॉडल क्रिएट न्यू फाइल का न्यूज़ मॉडल। तो ये हमें मॉडल की फाइल जो है मॉडल के फोल्डर के अंदर बनानी होगी। ये मॉडल का फोल्डर है न्यू फाइल, और इसको हम सेव करते हैं, इसी नाम से सेव किया। तो थोड़ा सा कोड उन्होंने ये बताया, बाकी हम बाकी दूसरा जो फंक्शन हम वहाँ पे लिखा है वो वहाँ पे नहीं यहाँ पे होना चाहिए था, गेट न्यूज़ का फंक्शन। तो न्यूज़ के कंट्रोलर के अंदर इसको कॉल वो कर रहे हैं, तो यहीं पे इसको हम पेस्ट करते हैं। अच्छा स्लग के साथ अभी हमारी कोई कंसर्न नहीं है, तो इस वजह से इसको मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ। मकसद यह है कि जल्द अज़ जल्द वो डेटाबेस का रिज़ल्ट सेंड करे, यानी सारे रिकॉर्ड सेंड करे। स्लग का मकसद ये था कि वो उससे रिलेटेड, उस कैटेगरी से रिलेटेड न्यूज़ सेंड करे। तो ये यहाँ पे नहीं आएगा कोड, इसको भी हम अपडेट करते हैं। तो ये चीज़ें फॉलो करनी है हमने, कोड कौन सा कोड किधर लिखना है। तो मैं जो थोड़ा सा एक कोडिंग करते हुए एक फॉलो करता हूँ स्ट्रक्चर, मॉडल को पहले मैं लिखता हूँ, रखता हूँ अमूमन मॉडल के फाइल को, फिर कंट्रोलर को रखता हूँ, और फिर उसके व्यूज़ को रखता हूँ। तो ये एक वैसे हर बार बंदे का अपना माइंड है वो किस तरह करता है, और इस तरह कन्फिग्रेशन फाइल्स और लेफ्ट पे रखता हूँ। तो आप मतलब फॉलो कर सकते हैं अगर आपको ये सही लगे। तो हमारा भी मकसद डेटाबेस की क्यूरी करना है, तो वहाँ पे हमारे पास वो वेलकम के नाम से हम उसी को रखना चाहते हैं। तो ये एक नई चीज़ है, ये मैं यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर ये करता हूँ शामिल, और ये चीज़ मैं हटा देता हूँ। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या चीज़ है। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है, यानी जब भी आपका ये इनिशियलाइज होता है ना कंट्रोलर, तो ये आपका कंस्ट्रक्टर जो है ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो इसमें फिर ये है कि हमने जो चीज़ें लोड वगैरह करनी होती हैं वो हम यहाँ पे काम करते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं ये हमने न्यूज़ मॉडल ये लोड किया है, और दूसरी चीज़ हमने हेल्पर एक लोड किया है। तो ये कुछ इसमें फंक्शंस
कोड इग्निटर में इन्होंने प्री डिफाइन बनाए हुए हैं, वो हेल्पर्स के नाम से हैं, तो यूआरएल्स रिलेटेड कुछ इन्होंने काम करना है। अभी हम इसको रहने देते हैं, हो सकता है हमें उसकी ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि ये लाइन ये अब उसमें क्यूरी कर रही है डेटाबेस को, तो इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं। और ये हमने जो ये चीज़ लिखी है ना लाइन, ये हम तब लिख सकते हैं जब आपने इस मॉडल को लोड किया हुआ हो। अगर हम वैसे लिखेंगे तो ये इस चीज़ पे एरर देगा। तो इसको हमने एक डेटा के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है, और उसकी भी एक हमने अंदर इंडेक्स बनाई है न्यूज़ के नाम से। तो डायरेक्ट हम डेटा में भी दे सकते हैं अगर हमारा स्ट्रक्चर सिंपल है, लेकिन अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे इस व्यू को भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए उन्होंने और तरीके से हैंडल किया है, स्लग के साथ किया है। तो हमारा भी स्लग के साथ मैं वो करना नहीं चाह रहा, मैं इसको एग्जाम्पल को सिंपल रखना चाह रहा हूँ। अभी मकसद ये है कि डेटाबेस से क्यूरी हो जाए, और जब क्यूरी हो जाती है तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है कि ठीक है हमारी ये कनेक्टिविटी चल रही है। वैसे आप बाद में बेशक इस एग्जाम्पल को पूरी तरह बिल्कुल भी फॉलो करें, इसमें ठीक है। बाकी ये एग्जाम्पल आप एक डिस्क्रिप्शन वगैरह इसकी बेशक पढ़ लें। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने व्यू को किस तरह हैंडल किया है। तो यहाँ पे देखिए व्यू के ये कोड लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि कोड वगैरह मुझे अभी भाई, जी 10 सेकंड वेट कीजिएगा, 10 सेकंड। अभी वैसे मैंने और कुछ खास काम तो नहीं किया है, लेकिन सिर्फ कोड मैंने कॉपी किया है, और इसको मैं थोड़ा सा अलग ही रखता हूँ। वो जी आते भाई आ गए वापस। असल में ऐसा होता कि वो मेरे बेटे ने इलेक्ट्रिक वायर को पाँव मार के ना वो सारा हिला दिया, तो एक्सटेंशन नहीं थी, मैं क्या कोई मसला ना बन जाए। जी जनाब, अच्छा मैंने बस ये कोड वहाँ से कॉपी किया है। तो देखें आपको ये मॉडिफाई करनी आनी चाहिए चीज़ें अपने हिसाब से, क्योंकि अक्सर आपको कहीं कोड कॉपी करते हैं किधर से, अपने पास करते हैं, किसी और का कोड लिखा है उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए टेक्निकली अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। तो मैंने कोड कॉपी किया है, अभी तक इसको चेंज नहीं किया। जी। तो टाइटल देखें पास कर रहे हैं, टाइटल के साथ कंसर्न नहीं है मेरा, तो इस लाइन को मैं खुद ही रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे अब यहाँ पे वो पास करेंगे आगे व्यू को, तो वो लाइन मुझे अब देखने की ज़रूरत है कि वो पास डाटा किस तरह कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल है उन्होंने मेंशन ये यहाँ पे किया है, लेकिन क्योंकि अभी हम उसको फुली उस तरह कर भी नहीं रहे ना, जिस तरह देखिए ये टाइटल न्यूज़ ये उसको न्यूज़ पास कर रहे हैं, ये लाइन हमने लिखी हुई है, लेकिन वो टाइटल पास कर रहे हैं उसको नहीं है, मतलब मैं उसको नहीं कंसिडर कर रहा। इसी तरह जिस तरह ये चीज़ है इनकी हेडर और ये फुटर, इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ, यानी अपने इसको एक लिहाज से इसको सिंप्लीफाई करता जा रहा हूँ। तो अभी इनके हिसाब बिल्कुल से यहाँ पे व्यू इनका इस जगह पे है न्यूज़ के अंदर है, जबकि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो टेस्ट वन के नाम से है। तो मैं इधर इसी को नीचे ले आता हूँ इसको, और जो सिंपली बीच में रहती चीज़ है वो ये हमने वो डाटा पास करना है इसको। तो ये तरीका होता है आपका व्यूज़ और कंट्रोलर और व्यूज़ को डाटा शेयरिंग का। तो आप उसको ये यहाँ पे पैरामीटर भी पास करते हैं, तो ये डाटा वहाँ पे व्यू के पास जाता है। तो आप वो हम देखते हैं वहाँ पे ये किस तरह काम करता है। तो अभी हमने सिर्फ एक चीज़ ही पास की है, इसलिए बाकी फालतू चीज़ें वो मैं हटाता जाऊँगा, हटा दी हैं बल्कि। तो यहाँ पे ये वेरिएबल बन जाएगा जो जिसको हमने यहाँ पे पास किया है ना इस तरह न्यूज़, तो ये न्यूज़ का यहाँ पे वेरिएबल बन गया है। तो ठीक और ये हम देख सकते हैं कि जो ये न्यूज़ आई हैं ये कहाँ से आई हैं, ये अब यहाँ से हमें पता लग रहा है। इसके अंदर न्यूज़ जो आई हैं वो राइट साइड पे जो इक्वल के लिखा हुआ है वो हमारे मॉडल के गेट रो गेट न्यूज़ का फंक्शन हमने कॉल किया, ये हमने फंक्शन खुद बनाया है। तो ये हमारे इधर न्यूज़ मॉडल के अंदर ये गेट न्यूज़ का फंक्शन है। तो है ठीक। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने लोड भी किया डेटाबेस इसके कंस्ट्रक्टर में, इस तरह का जो कंस्ट्रक्ट लिखा होता है ना इसका कंस्ट्रक्टर होता है, यानी ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ऑटोमेटिकली कॉल होता है तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये इनकी एग्जीक्यूशन से पहले ये लोड हो चुका होता है, यानी डेटाबेस लोड हो चुकी होगी। तो
तो आप सोचें डेटाबेस सिक्योरी करना कितना सिंपल है, डीबी, ठीक है, दिस डीबी गेट आगे टेबल का नाम, तो सारा जी डेटाबेस के ठीक है रिकॉर्ड्स इस क्यूरी के अंदर आ गए हैं, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है ठीक इसको रे में उसको कन्वर्ट किया और यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। तो डेटाबेस की क्यूरी करना ये इतना सिंपल ही है। और देखिए अभी तक जो हमने कोड लिखा है ये टेस्ट नहीं हुआ है, अभी तक हमने टेस्टिंग नहीं किया ना, अभी ठीक वो है कन्फर्म होगी। तो मैं थोड़ा सा व्यू को ये चेक कर लूँ, न्यूज़, तो फॉर ईच का ये अमूमन हम यूज़ करते हैं जब रेज वगैरह हैं, क्योंकि ये डाटा हमारा रे की फॉर्म में इसमें आ गया है, तो वो पास होके जब इसके पास आएगा तो इसलिए हम ये फॉर ईच न्यूज़ एज न्यूज़ आइटम, यानी वो जो रो बनती है उसके अंदर बहुत सारी रोज़ के अंदर रो, तो अब डाटा इसके अंदर आ रहा है एक रो के अंदर जितनी दफ़ा ये क्यूरी होगी। तो उसके अंदर हमारे पास एक टाइटल है और इको की है, और फिर स्ट्रक्चर में इन्होंने एक डिव बनाया है, उसमें उसका टेक्स्ट डिस्प्ले कर दिया है, और फिर उसका आगे स्लग एक बना रहे हैं, लेकिन अभी हमने खैर इस पे काम नहीं करना है। इस फंक्शन के लिए मैं कह रहा था ना कोई उन्होंने चीज़ इस्तेमाल की है जिसकी वजह से ये URL हेल्पर कॉल किया है, तो ये इस वजह से वो कॉल किया था। तो इसको अब अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, ये हालांकि ये वैलिड नहीं होगा URL, क्योंकि हमने अभी इस पे ये व्यू इस तरह का को कोई कोड लिखा हुआ ही नहीं है, लेकिन इसको मैं अभी रहने देता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ और अभी टेस्ट करता हूँ। तो बहुत सारे इम्कान होता है कि आपकी गलतियाँ होंगी, तो मुझे भी पता है अभी इसने डाटा शो नहीं करना, क्योंकि डेटाबेस में डाटा है ही नहीं, ये जो डेटाबेस हमने बनाई इसमें रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है, अभी हम इसमें डमी रिकॉर्ड डालते ठीक हैं, लेकिन पहले मैं इसको ओपन करता हूँ ताकि अगर उसके अलावा कोई एरर है वो शो हो जाए। तो इसने कुछ शो नहीं किया, इसका मतलब यह है कि ये यहाँ तक सही आ रहा है, और यहाँ पे क्योंकि उसमें कुछ डाटा ही नहीं है तो इसलिए उसने ये चीज़ फॉर ईच चला ही नहीं, क्योंकि ये न्यूज़ के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, एम्प्टी है वो। तो अभी हम डाटा कुछ इंसर्ट करते हैं, मैं एक मिनट ये डाटा इंसर्ट करता हूँ कुछ डमी सा, और ये फील्ड मेरा ख्याल है ये ऑटो शायद है, लेकिन चले News 1, और स्लग भी मैं इसका वैसे ही अभी डाल देता हूँ, इसका मकसद तो यही था इस तरह कुछ हो, और News 1, और इसको मैं गो करता हूँ, तो ये हमारे पास एक रिकॉर्ड आ गया है, अभी इसको शो करना चाहिए एक रिकॉर्ड, न्यूज़ उसका डाटा और ये URL बनाया है, तो ये URL अगर मैं करूँगा तो इसको शो नहीं करना चाहिए क्योंकि इस नाम से नहीं बना हुआ, कंट्रोलर हमारा न्यूज़ के नाम से है ही कोई नहीं, और फिर आगे उसमें ये एक्शन ये भी नहीं है। जी आते भी आप कोई बात कह रहे थे, आप टेस्टिंग चला मैंने कहा आप कह रहे थे ना कि सही जा तो वो दीचे जो तो उसपे भी आप इसको और मैसेज करेंगे आते भी आपकी आवाज़ कट रही है, और मुझे ये बात बताएं यहाँ पे आपके ये दो नाम क्यों आ रहे हैं, इसमें दो नाम होने की वजह से एक फिर नुकसान आपको ये हो रहा होगा, दोनों अकाउंट पे डाटा जा रहा है, जो ये लाइव स्ट्रीमिंग मतलब इसमें ये हो रही है ना गूगल मीट पे, वो आगे। दोनों अकाउंट्स पे डाटा जा रहा है, यानी आपके पास एक लिहाज से डबल नेट यूज़ हो रहा होगा ये वीडियो देखने के लिए। अगर मेरे पास हैवी डाटा है सर बहुत ज्यादा स्पीड में यूज कर रहा हूँ और दूसरी बात ये कि मुझे नजर रहता है मैं उसके लिए वो उसकी स्क्रीन बहुत अच्छी उसको मैंने खोले तो दोनों में बस दोनों एंगल्स पे देख लेकिन तो जहाँ पे अभी मुझे सही नजर आता मैं उधर आते भाई अभी आवाज़ आपकी कट रही है ना, तो मैं मेरे जहन में इसलिए ये बात आई है कि शायद हो सकता है इस वजह से ये दो, क्योंकि आपके वो दोनों जगह पे लोड हो रहा है ना डाटा, तो शायद इस वजह से आपकी आवाज़ कट रही है, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई है, सवाल आप जो कर रहे हैं ना बात कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आई है। आमिर भाई आपको सही आवाज आ रही होगी नोट करें आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन जब आप लंबे पूरा वो जुमला बोलते हैं ना तो फिर आवाज़ कट रही है। आमिर भाई मैं ये कह रहा था कि वो जो आपने जब आप टेस्ट करने के लिए जा रहे थे ना जब आपने वहां पे डमी एंट्री की थी उससे पहले अगर आप कुछ मैसेज लिख देते तो वो भी हमें पता चल जाता कि नीचे दो मैसेज प्रिंट करवा लेते ना एक ऊपर टेस्टिंग था नीचे टेस्टिंग टू कर लेते पता चल जाता हाँ नीचे का बिल्कुल, जा ये रहा है कि नहीं मैं भी इस तरह करता होता हूँ, ये चीज़ ना जो आप कह रहे हैं ये वाकई बहुत अच्छी है, कि मैं बल्कि इसके बजाय ना मैं इस तरह करता होता हूँ कि मैं अक्सर लिखता होता हूँ H1 के अंदर ना
हेडिंग वन के अंदर मैं लिखता होता हूँ H1, H1 के अंदर टेस्टिंग स्टार्ट, वन और फिर कंट्रोलर का नाम वेलकम है, वेलकम डॉट, आगे जो फंक्शन है वो फंक्शन है टेस्ट, यानी एक्शन जो इसका है वो टेस्ट ये है, वन तो जी बल्कि वन भी है। तो ये अमूमन मैं इस पैटर्न को फॉलो करता होता हूँ, ये स्टार्ट में बॉडी के और बॉडी के क्लोज में फिर इसको नीचे यस एंडेड लिख देता होता हूँ। मतलब उसमें मुझे ये इसको इनका आपस में वो फिनिश कर लिंक समझ आ रहा होता है कि रिलेशन ये बताते हैं गलती तो नहीं होगी जी, इसमें ये फायदा है कि हमें फिर यस पता लगता है कि हमारा ये प्रोसेस सही हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ अपनी टेस्टिंग के लिए इस तरह लिख ठीक करते आवाज हैं, बाद में इन लाइनों को हम यस कमेंट कर यस देते हैं। मतलब इसका मकसद सिर्फ यही होता है, कभी जी कभी है ना जी इनमें एरर की वजह से ना आपका काम गड़बड़ कुछ कर रहा होता है। जी आमिर भाई तो ये इसका बेसिक मतलब एक स्ट्रक्चर है। हमने रिकॉर्ड अभी तो हमने ये ठीक थैंक है यू डमी रिकॉर्ड डाले हैं, लेकिन इसको हम फिर बाकी देखें, बाकी CSS का कमाल है। अभी देखें ये बिल्कुल सिंपल सा है, बाकी आप CSS इसमें डालें, जावास्क्रिप्ट के साथ इफेक्ट्स को डालें, एनिमेशन कुछ भी, वो फिर सारी आ जाती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो मेरी जो एक्सपर्टीज़ है या यस ज़्यादा इंटरेस्ट है वो बैक एंड डेवलपमेंट की तरफ ही है, लेकिन ये कि फ्रंट एंड आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपने अगर कोई प्रोजेक्ट करना है तो फिर फ्रंट एंड की चीज़ें आपको आती होंगी, तभी आप कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो ये शुरू किया हुआ वाह भाई था, तो इस दफ़ा तो ये टाइम स्टैम्प वगैरह सारी रहेगी है, तो मैं यहाँ पे वैसे बाद में ही मेंशन करूँगा कि हमने ये कोड इग्निटर के हमने ये शुरू किया था, लेकिन अभी चले मैं यही लिख देता हूँ। तो वैसे मैं ये इसको फिलअप करता रहता होता हूँ ना साथ साथ, तो इस दफ़ा फिलअप रह गई है, तो बिल्कुल इसमें ठीक है बाद में मेंशन मैं ये करता रहूँगा। और ये वाला काम तो फिर इस दफ़ा हमने स्किप कर दिया है। तो इसमें अभी हम जो सेकंड जो काम है वो करते हैं, इसमें डेटा इंसर्ट वाला। और आप चीज़ ये चीज़ देखिए ना कि मुझे भी ये क्रूड कोड वगैरह कुछ भी याद नहीं है ज़बानी, मतलब ये मैंने कोड इग्निटर ऐसे होते हैं हमें भी ऐसे होते हैं टू में काम किया था, वो भी उसको टाइम हो गया है कुछ। तो आपको चीज़ों का जनरल आइडिया हो तो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं यस कि ये एक फॉर्म इन्होंने बनाया है, और यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर क्रिएट के नाम से एक देखें ये कंट्रोलर ये बना रहे हैं, तो इसको हम एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं न्यूज़ कंट्रोलर के अंदर ही। उनका खैर न्यूज़ का कंट्रोलर है, लेकिन हमारे ना यहाँ पे वेलकम के नाम से ही है। तो ये चीज़ें आपने फिर अपने दिमाग से करनी होती हैं क्लियर कि उन्होंने क्या यूज़ किया और आपने क्या किया है, क्योंकि मिक्सअप चीज़ें होने का इम्कान होता है। तो ये कोड इंडेंटेशन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा आपने अगर लॉन्ग रन करना है काम तो इंडेंटेशन आप बहुत अच्छी रखें, अदरवाइज़ आपके लिए फिर मुश्किल है। तो अभी देखें यहाँ पे हमने ये क्रिएट के नाम से बनाया है, फिर ये देखिए लोड जो किया था ना हेल्पर, अगर तो वो हेल्पर सब जगह इस्तेमाल होना है तो वो फिर आप इसमें जी जी कंस्ट्रक्टर में डालें, यानी सब फंक्शंस में इस्तेमाल अगर होना है तो वो यहाँ पे डालें। तो जो हेल्पर आपका यहीं पे लोड होना है सिर्फ इसके लिए, इसी फंक्शन के लिए, जिस तरह कि क्रिएट क्या है, एक तो मैं यहाँ पे इसको नाम ऐड रखता हूँ वैसे, मतलब अपनी पसंद है ऐड ऐड के नाम से। तो यहाँ पे देखिए ये हेल्पर फॉर्म के हेल्पर ये लोड कर रहे हैं, तो मैं वहाँ पे भी जो फाइल बनाऊँगा एक जो व्यू की, वो इसी तरह ऐड डॉट PHP के नाम से बनाऊँगा। तो मैं बल्कि अभी एक व्यू फाइल बना देता हूँ, न्यू, इसको सेव करता हूँ ऐड डॉट PHP। तो उनके हिसाब से ये अच्छा है स्ट्रक्चर बनाना, जिस तरह न्यूज़ जितने यानी लोग अमूमन जो बनाते हैं ना इस तरह की एप्लीकेशन, तो वो उनकी कोशिश ये होती है कि जो आपके टेबल का नाम है वो आपका कंट्रोलर का नाम बन जाए, और जिस तरह उन्होंने न्यूज़ का बनाया है कंट्रोलर का नाम बन जाए, और फिर यहाँ पे जो ऑपरेशन है उसके ऐड रीड डिलीट वगैरह उनके नाम से यहाँ पे
आपके ये एक्शंस बन जाएं। तो फिर इसी तरह आप जो व्यू है वहां पे भी उसी नाम से एक, यहाँ पे आप न्यूज़ के नाम से मसलन अगर टेबल है न्यूज़ के नाम से इधर फोल्डर बनाएंगे तो फिर उससे रिलेटेड जितने व्यूज़ हैं वो उसके अंदर डालेंगे, जिस तरह रीड का है, ऐड का है, डिलीट का है, वगैरह वगैरह जो भी आपके व्यूज़ हैं वो उस तरह। फिर स्ट्रक्चर करना आसान हो जाता है जब आपकी एप्लीकेशन बड़ी होती है। लेकिन अभी क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि कोड को हम अपना सिंप्लीफाई ही करते जा रहे हैं। तो ये ऐड के नाम से हमारे पास एक व्यू बन रहा है और इसको हम, ये वाला उन्होंने कोड इसमें डाला है, इसको हम एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। वैसे उन्होंने तो हेडर फुटर भी यूज़ किया है लेकिन अभी मैं उनको हेडर फुटर के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता, उसको स्किप कर रहा हूँ इसलिए। तो अच्छा, फिर एक फॉर्म वैलिडेशन की लाइब्रेरी है, उसको इनिशियलाइज़ किया है, उसको टाइटल भेज रहे हैं, टाइटल वगैरह हम कुछ नहीं भेज रहे। ये वैलिडेशन के रूल सेट कर रहे हैं कि टाइटल रिक्वायर्ड है और जो टेक्स है वो भी रिक्वायर्ड है। अच्छा, और ये वैलिडेशन के रूल को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अगर तो ये वैलिडेशन फुलफिल हो रही है तो यहाँ पे फिर ट्रू होगा तो ये एल्स पे नहीं, फॉल्स जाएगा। होगा। जी ट्रू होगा तो ये, क्योंकि इसके यहाँ की कंडीशन हमने लिखी है फॉल्स है, अगर फॉल्स है तो वो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा। तो इसमें ये हेडर फुटर हमने नहीं डाले हुए, इसको मैं स्किप करता हूँ। और हमने जो व्यू बनाया अभी उसका नाम है ऐड। तो एल्स पे फिर हम एल्स का पार्ट बाद में देखते हैं, क्योंकि एल्स में देखिए मॉडल को कॉल कर रहा है। तो अभी हम ऐड वाले में आते हैं और ये उनका फंक्शन है जो लाइब्रेरी है उसका फंक्शन ये कॉल कर रहे हैं कि अगर एरर्स हैं तो वो ऑटोमेटिकली शो करेगा। यहाँ पे टाइटल हम नहीं यूज़ कर रहे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, वैलिडेशन नज़र आएगी, फॉर्म को हमने स्टार्ट किया। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है कि वहाँ पे हमने जो एक्शन है उसका नाम ऐड रखा है और जो कंट्रोलर है उसका नाम वेलकम है। तो ये फिर आपको उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। टाइटल, अब देखें ये वही HTML जो फॉर्म हम HTML के फॉर्म जिस तरह बनाते हैं ये वैसे ही है। टेक्स्ट एरिया में बड़े से दे दिया है, नाम रेलेवेंट जो भी दिया है ये चीज़ आगे जाएगी और ये हमने सबमिट कर दिया। तो ये चीज़ हमारे पास जब सबमिट होगी तो इधर आएगी और ये रूल्स चेक होंगे, अगर ये ट्रू है तो ये ऑटोमेटिकली एल्स पे आएगा और ये कॉल होगा। तो देखें अभी हमने ये न्यूज़ मॉडल तो हमारे पास है लेकिन इसमें ये वाला फंक्शन हमने नहीं लिखा हुआ है, सेट न्यूज़। तो इसको हम ऐड न्यूज़ भी कह सकते हैं। तो अब देखें मॉडल में आ गए हैं और यहाँ पे सेट न्यूज़ का फंक्शन इन्होंने लिखा है। ओ जी, तो यहाँ पे हम मॉडल में आके पेस्ट करते हैं, इंडेंटेशन प्रॉपर करते हैं, थोड़ी सी देर लगती है लेकिन ये अच्छा हो जाता है। अच्छा, हेल्पर यूआरएल लोड किया है, क्यों किया है ये आगे जाके शायद पता लगेगा, ये इस वजह से किया है यूआरएल टाइटल। तो यूआरएल ये बना रहे हैं डैश के साथ, यानी टाइटल में से ऑटोमेटिकली स्पेसेस को रिप्लेस कर देगा डैश के साथ। तो ये स्लग में आ जाएगा और डाटा ये डिफाइन कर रहा है जो कि इंसर्ट करना है। देखिए डेटाबेस में इंसर्ट करने का ये तरीका है, DB डैश इंसर्ट, टेबल का नाम हमारा वहाँ पे न्यूज़ के नाम से ही टेबल है, न्यूज़ के नाम से ही है, न्यूज़ और डाटा। और डाटा में क्या है, टाइटल जा रहा है जो उधर से पोस्ट होके आया है, स्लग में स्लग आ गया, स्लग इन्होंने अभी जनरेट किया है, टेक्स में टेक्स आ गया। और यही मेरे ख्याल है फील्ड्स है हमारे पास, टाइटल स्लग टेक्स, टाइटल स्लग टेक्स। एक डेट टाइम भी इधर हो सकता था कब ये इंसर्ट हुआ है, लेकिन अभी उन्होंने भी सिंपल बनाया है तो हम भी इसको सिंपल रहने देते हैं। तो यहाँ पे ये उसको कॉल करेगा तो इस स्टेज पे इंसर्ट हो चुका होगा। तो
अभी हम ये एक सक्सेस के नाम से एक व्यू बनाते हैं, हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ पे व्यूज़ के फोल्डर में नई फाइल बनाते हैं, इसको हम सेव करते हैं, मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँ सक्सेस और इधर पेस्ट किया सक्सेस। मतलब वैसे प्रॉपर नाम इसके होने चाहिए लेकिन अभी हम अपनी सहूलत के लिए इसको बिल्कुल आसान सान टेक्स्ट लिख रहे हैं। तो अब ये हमारा कोड ऑलमोस्ट हो गया है, तो अब इश्यू ये है कि हम इसको चलाएंगे कैसे। तो एक तो ये है कि हम इसको मैन्युअली करें कॉल, मैन्युअली किस तरह, हमें पता है कंट्रोलर का नाम वेलकम है और एक्शन जो है ऐड है, तो यहाँ पे हम test1 की जगह ऐड लिखेंगे। तो ये फॉर्म आ गया हमारे पास, टाइटल इसकी news2 मैं दे देता हूँ और नीचे भी news2 और डॉट। अब ये सबमिट किया और सक्सेस वाले पेज पे ऑटोमेटिकली आ गया। तो अब इस पेज को हम रीलोड करें तो हमें दो रिकॉर्ड शो होने चाहिए, news1 और ये news2। तो ये आर्टिकल देखने के लिए फिर हम हमें इसके लिए भी फंक्शन बना सकते हैं, जिस तरह हम देखिए नीचे नज़र आ रहा है वो न्यूज़ और स्लग के साथ जो शुरू में उन्होंने कोड बताया था, तो लेकिन वो हमने खैर स्किप कर दिया है, पिछले पेज पे था। तो राउटिंग में पिछले पीछे भी हमने, एक मिनट मैं देखता हूँ पीछे राउटिंग में क्या चीज़ की थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया था उस वक्त इसको। राउटिंग में न्यूज़ एनी, अच्छा देखिए राउटिंग इन्होंने थोड़ी सी आसान की है, वैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है फॉलो करना लाजमी है इसी तरह कि कंट्रोलर का नाम आगे एक्शन। तो राउटिंग में देखें यहाँ पे इन्होंने क्या चीज़ की है, न्यूज़ और एनी, यानी न्यूज़ का कंट्रोलर हो, यहाँ पे न्यूज़ लिखी हुई है और आगे कुछ भी स्ट्रिंग आ रही हो, तो उसको इसको कैसे हैंडल करना है हमने, यानी इसके एक लिहाज से ये क्या कर रहे हैं कि इसमें एक्शन को स्किप कर दिया उन्होंने, राउटिंग में एक्शन वाला पार्ट स्किप कर दिया, न्यूज़ और आगे कुछ भी टेक्स्ट आ रहा हो, तो इसको फिर देखें ये कह रहा है कि राउट इसको कैसे करना है, इस चीज़ को न्यूज़ आ रहा हो और आगे कुछ भी स्ट्रिंग हो उसको राउट करना है न्यूज़ व्यू और S1 का मतलब ये है कि ये जो 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 भी टेक्स्ट है, तो ये उसको राउट कर रहा है न्यूज़ व्यू के ऊपर, जो ऊपर शुरू में इन्होंने व्यू का, ये देखिए स्लग अभी बाय डिफॉल्ट नल है लेकिन जब ये चीज़ होगी तो इसको राउटिंग में ये चीज़ जब चलेगी तो इसको S1 के अंदर जो भी ये एनी करेक्टर्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि ये उसकी बेस पे न्यूज़ वही वाली रीड करेगा जो यहाँ पे इसको हमने पास किया है ना स्लग, उसकी बेस पे। ये खैर हमने कोड किया ही नहीं है इसको, मतलब स्किप ही किया है। तो न्यूज़ अगर सिर्फ लिखा हो तो न्यूज़ का कंट्रोलर लोड होगा और ऑटोमेटिकली इंडेक्स कंट्रोलर रन होगा, और उसके अलावा कुछ भी लिखा हो तो पेज व्यू डॉलर साइन, ये पहले भी ऐसे ही लिखा हुआ था और डिफॉल्ट कंट्रोलर भी ये पेज व्यू ही है। तो नेक्स्ट इसमें यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या राउटिंग में किया है, एक चीज़ और की है, न्यूज़ और क्रिएट कोई लिखे तो न्यूज़ क्रिएट ही कॉल हो रहा है, वैसे इसको लिखने की ज़रूरत तो नहीं थी, पता नहीं क्यों लिखा है, क्योंकि ये तो ऐसे ही है, मतलब ये हमने वैसे लिखना ही होता है कंट्रोलर का नाम और एक्शन, पता नहीं क्यों लिखा है इन्होंने। अच्छा यहाँ पे न्यूज़ और एनी, ये तो पहले से जो पिछले हमने पेज पे देखा है ये बाकी ऑलमोस्ट वही है, तो बाकी इसमें कंक्लूजन आ जाता है। तो दो ऑपरेशन इन्होंने सिर्फ बताए हैं, एक रीड का और एक क्रिएट का, फिर इसमें डिलीट और अपडेट के स्किप हो गए हैं। तो जो स्किप हो गए हैं वो फिर हम इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे जनरल टॉपिक में आते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि रिमूव और अपडेट कैसे करना है, मॉडल में आते हैं, मॉडल की डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है, और last 10 एंट्रीज देखिए यहाँ पे, अब ये वेयर क्लास के लिए इस तरह इन्होंने किया है, लेकिन इसको मैं अभी छोड़ता हूँ। और डिलीट और अपडेट के लिए क्या चीज़ करनी है, डिलीट और अपडेट, ये तो हेल्पर्स पे आ गए हैं,
लाइब्रेरीज पे मैं डेटाबेस रेफरेंस, ये चीज़ मैं ढूंढ रहा था, डेटाबेस रेफरेंस एग्जांपल। सिंपल अगर क्यूरी अगर हमने रन करनी है वो इस तरह करेंगे, डेटाबेस को लोड हमने करना है, वो हमने देखा था कि मॉडल के अंदर हमने ऊपर इसको लोड किया था, सिंगल स्टैंडर्ड इंसर्ट अगर इस तरह करनी है तो ऐसे भी कर सकते हैं। गेट बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, कनेक्ट टू डेटाबेस इसकी भी ज़रूरत नहीं है, रनिंग क्यूरीज क्यूरी सिंपल क्यूरी मतलब, फिर एक तो हम ये काम कर सकते हैं जिस तरह ये क्यूरी उन्होंने लिखी हुई है सिंपल क्यूरीज में, अपडेट की क्यूरी हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर आईडी, उस तरह भी हम डिलीट कर सकते हैं। इसमें मैं सर्च कर लेता हूँ या काउंट ऑल रिकॉर्ड्स कितने हैं वो काउंट करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं काउंट ऑल। ये चीज़ मैं देख रहा था, इसके बाद फिर डिलीट, अपडेटिंग डेटाबेस रिप्लेस, तो ये फंक्शन है अपडेट करने के लिए। तो हम फिर अपडेट के लिए भी हम कॉल काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर उसका हमें और तरीके से करेंगे। तो एक हम फंक्शन बनाते हैं अपडेट का, और यहाँ पे हमने लेनी होगी आईडी, क्योंकि आईडी अगर आपके पास नहीं है किस न्यूज़, क्योंकि हमारे टेबल का नाम न्यूज़ है, किस न्यूज़ को अपडेट करना है तो उसके बगैर ये काम नहीं होगा। तो जहाँ पे हमारे पास ये लिस्टिंग आ रही है, जैसे कि लिस्टिंग हमारे पास यहाँ पे आ रही है इस जगह पे, तो जिस तरह यहाँ पे ये इन्होंने एक लिंक बनाया है व्यू आर्टिकल, इसी तरह हम एक लिंक और बनाते हैं अपडेट आर्टिकल का, अपडेट आर्टिकल। तो अब देखें ये सारा काम हमारे अपने हाथ में है, हमने क्या लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने लिखना है वेलकम, क्योंकि कंट्रोलर हमारा मेन वही इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पे हमें चाहिए आईडी, क्योंकि ये यूआरएल जनरेट करेगा वेलकम, और बल्कि इसके साथ हमने और भी चीज़ लिखनी है वेलकम और अपडेट। यहाँ से हम देख सकते हैं ना, इसका नाम वेलकम है और एक्शन का नाम अपडेट है और साथ में आईडी, तो साथ में यहाँ पे हमें आईडी देनी चाहिए। तो ये हम देखते हैं आईडी, इसके अंदर जो न्यूज़ आइटम जा रहे हैं हम सब सब सेंड कर रहे हैं उसके अंदर आईडी है भी या नहीं, ये भी हम नोट करते हैं। लेकिन ये पहले मैं अपडेट वाले को थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ, बस ठीक है, अभी इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। और इसको मैं रीलोड किया है, और यहाँ पे अब मैं लिंक देख रहा हूँ तो ID 1 आ रही है और यहाँ पे ID 2 आ रही है नीचे, आप बॉटम पे अगर आप नज़र आ रहा है आपको तो इसका ये स्टेटस बार पे ये बता रहा है। तो ये हम कंफर्म भी कर लेते हैं वाकई आ रही है, हमें नज़र आ गया, लेकिन हम फिर भी यहाँ से देख के चेक करते हैं कि ये हमने फंक्शन कॉल किया था गेट न्यूज़ का और ये सारी पास हो गई थी न्यूज़ के अंदर। तो मॉडल के अंदर गेट न्यूज़ में, क्योंकि हमने साथ इसमें वेयर या फील्ड्स के नाम नहीं लिखे, तो उसने सारे के सारे रिकॉर्ड जो है वो शो कर दिया उसमें, तो इस वजह से हमें फिर कुछ और स्पेशल क्यूरी नहीं लगानी पड़ी है। तो आईडी हमें मिल रही है, इसका मतलब है जब इस पर कोई भी क्लिक करेगा, अभी तो क्योंकि कुछ भी हमने नहीं किया, ये अगर मैं क्लिक करूँगा अभी तो ये एम्प्टी शो होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इस कंट्रोलर के अंदर हमने अभी कुछ भी नहीं कोड लिखा। तो कोड हम देखते हैं उस एग्जांपल जो यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंटेशन में खोली है,
तो हमारे पास पहले तो ये है कि हमने फॉर्म एक डिस्प्ले करना है, दोनों फील्ड्स डिस्प्ले हों और पुराना डाटा भी रीड हो। तो ये थोड़ा सा हमारे पास काम लंबा हो गया है, लेकिन ये कि हम चले कोशिश करते हैं इसको करने की। तो गेट न्यूज़ के फंक्शन, एक और फंक्शन हम बनाते हैं इसी तरह गेट न्यूज़ का, और यहाँ पे साथ में आईडी हम लेते हैं कि कौन सी आईडी को इसने उसकी न्यूज़ लेनी है। तो आईडी यहाँ पे हमारे पास कैसे आएगी ये हम देखते हैं। जिस तरह के हमने यहाँ पे ये फंक्शन कॉल किया है, यहाँ पे हम अपडेट में यही फंक्शन कॉल करेंगे। गेट न्यूज़ की जगह हम गेट न्यूज़ रिकॉर्ड कर दूँ, मतलब एक रिकॉर्ड बेसिकली हम ले रहे हैं वहाँ पे, और उसको आईडी भी पास करनी है। तो गेट न्यूज़ रिकॉर्ड और आईडी वाली वही, जो ऊपर वही आईडी इसको जो पास हो रही है अपडेट को, ये वही आईडी है जो कि न्यूज़ आईडी है। तो पहले हमें फिर इसकी क्यूरी लिखनी है कि न्यूज़ किस तरह लेनी है। तो वापस हम जाते हैं ट्यूटोरियल पे, मैं इसको नई टैब में खोल लेता हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस पेज की। तो ट्यूटोरियल को फॉलो करते हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ पे काम उसमें किया है, और मैं ख़ुद से अभी वो लिखना नहीं चाहता क्योंकि मुझे सारी चीज़ें याद नहीं हैं। इन्हीं ने जो क्यूरी यहाँ पे लिखी है ना, उसी को मैं कॉपी करना चाहता हूँ। एक मेरे ख्याल है पिछले पेज पे तक, ये चीज़, ये इस पर पैरामीटर पास हुआ है और गेट वेयर ये चीज़। अच्छा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, मैं इसको भी लाइन को कॉपी कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे रो अरे आ रहा है, वहाँ पे रिजल्ट अरे आ रहा है, कुछ डिफरेंस है। मैं इसको ऐसे ही कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। इसको भी कमेंट में करता हूँ। तो जनाब न्यूज़ हमने करना ही है, और ये जो डाटा उसको जा रहा है वो आईडी हम उसको पास कर देंगे। तो ये हम खुद से चीज़ कर रहे हैं, और इसको अभी मैं देख भी लेता हूँ कि ये रिज़ल्ट ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो गेट रिकॉर्ड, और इसको मैं यहीं पे प्रिंट आर करवा लेता हूँ सिर्फ अपनी उस चीज़ के लिए कि ये हमारे पास रिज़ल्ट, इसमें डाटा में सही रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस पेज को मैं अगर रीलोड करूँगा, इस पेज को रीलोड करूँगा तो यहाँ पे अभी रिकॉर्ड ये यानी कि ID 1 और ये आ रहा है, ठीक है। मैं इसको रिकॉर्ड 2 करता हूँ तो 2 के साथ आ रहा है, इसका मतलब है ये हमारे पास ठीक हो रहा है काम। तो अभी हमने क्या करना है कि ये पेज इसका मिलता जुलता होगा, जो हमने ऐड वाला पेज बनाया था ना उसके साथ मिलता जुलता होगा, और ये काम भी हमने मिलता जुलता करना है। जैसे यहाँ पे ये हेल्पर फॉर्म ये लोड किए हैं, ये ऑलमोस्ट ऐसे ही होगा क्योंकि इसके साथ उसका मिलता जुलता तरीका है ऐड के साथ, सिवाय इसके कि आखिर में आईडी साथ जाएगी। तो ये जो, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। बल्कि इसको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और ऐड की जगह हमारा एक, हम अभी बनाएंगे व्यू, उसका नाम होगा अपडेट। एक व्यू हम बनाते हैं, अपडेट नाम होगा, और उसको ये वैल्यूज़ भी पास करनी है कॉमा, और
डेटा, डेटा इसको पास करना है। तो व्यूज़ के अंदर हम एक और व्यू बनाते हैं, न्यू फाइल, सेव करता हूँ अपडेट डॉट पीएचपी, और इसका कोड इसका बड़ी हद तक होना चाहिए ऐड के साथ मिलता जुलता। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, तो अपडेट आईडी, यहाँ पे न्यूज़ आ गए, ये डाटा हमने पास किया, डाटा हमने पास ये टेस्ट वन में पास किया था, देखें इससे डाटा पास किया, ये चीज़ सेम है, सिर्फ व्यू का नाम चेंज हुआ है। तो इनिशियली तो ये फॉल्स ही होगा, तो हमें फॉर्म क्योंकि सबमिट भी नहीं हुआ तो ये इनिशियली फॉल्स ही होगा। ये लोड होगा डाटा और दोबारा इसमें सेंड होगा, तो सेट न्यूज़ इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, और ये हमने बनाना है सेट न्यूज़ रिकॉर्ड, ये हमने बनाना है अभी इसमें मॉडल के अंदर, ये वाला फंक्शन हमने बनाना है, और ये उससे बड़ा ज़्यादा मिलता जुलता ही होगा जो ऐड है सेट न्यूज़ रिकॉर्ड के साथ। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सेट न्यूज़, और जिस तरह हमने यहाँ पे ये रिकॉर्ड साथ लिखा है इसके साथ भी हम ऐसे ही करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास आईडी भी पास हो रही होगी, और ये आईडी हमें जो अपडेट के अंदर आईडी आ रही है ये न्यूज़ आईडी है बेसिकली, मैंने साथ लिखा नहीं है। तो यहाँ पे भी हमने इसको फिक्स करना है, इसको हमने थोड़ा सा फिक्स करना है, इसको हम फिर करते हैं। पहले मैं यहाँ देखता हूँ ये हमारा काम पूरा हो गया या नहीं हो गया, तो ये ऑलमोस्ट हमारा ये काम हो गया है, सिवाय इसके कि यहाँ पे वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ उसको पास करनी है क्योंकि ये इसके अंदर ही आ रही हैं। तो वो हम देखते हैं कि जिस तरह हमें यहाँ पे वैल्यूज़ आई थी, तो ये तकरीबन इस तरह नहीं बल्कि ऐसे ऐसे ही था, नहीं थोड़ा सा फ़र्क होगा, लेकिन मैं ये कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि, और यहाँ पे टाइटल वैल्यू, वैल्यू के अंदर ये कोड आ जाएगा, और वहाँ पे देखें हमने जो वेरिएबल पास किया है उसका नाम नाम है न्यूज़, तो यहाँ पे न्यूज़ के नाम से पास होना चाहिए, बल्कि ये मैं इसको प्रिंट आउट करके फिर एक दफ़ा देख लेता हूँ क्योंकि मुझे इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर में कन्फ्यूजन हो रही है। तो इसमें अगर हम प्री अगर लगा देंगे तो वो उसका स्ट्रक्चर हमें और बेहतर तौर पे नज़र आएगा। तो ये हम इसलिए करते हैं कि अपनी सहूलत के लिए हमें प्रॉपर रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर समझ आ रहा हो, सिर्फ इसलिए। और साथ में यहाँ पर मैं एग्जिट भी लिख देता हूँ कि ये कोड एग्जीक्यूट नीचे और ना जाए, तो इसको अपडेट करूँ ना करूँ फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन चलें इसको मैं रीलोड करता हूँ। इसका स्ट्रक्चर देखिए अब थोड़ा सा और बेहतर आ रहा है। तो डाटा में जब ये जाएगा तो न्यूज़ के नाम से वेरिएबल बनेगा और उसके अंदर आईडी होगी, तो अभी हमने टाइटल चाहिए, तो ये हमें स्ट्रक्चर इसका समझ आ गया क्योंकि यही इसको पास होगा यहाँ पे। तो जो यहाँ पे इंडेक्स हमने दी होगी वो वेरिएबल बन जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये न्यूज़ के नाम से वेरिएबल होगा और उसके अंदर टाइटल होगा। तो ये हमने चीज़ समझ ली है, इसको मैं एज इट इज़ टेक्स एरिया में भी कॉपी करता हूँ। ये चीज़ इस तरह कॉपी होगी, सिर्फ उसके वेरिएबल का नाम चेंज हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे उसकी वैल्यू क्योंकि यही बन रही है टाइटल, और ये हम डेटाबेस से भी देख सकते हैं टेक्स। तो अभी मैं इसको अनकमेंट, इसको कमेंट कर देता हूँ, और वैसे भी अभी ये चीज़ लोड तो होगी नहीं, रन नहीं होगी, लेकिन मैं इसको कोड को फिक्स कर ही दूँ, अगर ये रन हो भी जाए तो प्रॉपर रन, या इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए क्योंकि अभी मैं
अपडेट वाला कोड जो है ना उसको रन नहीं करना चाह रहा, अभी सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि ये जो हमने अभी ये जो चीज़ की है हमने क्यूरी, और ये वाला रिकॉर्ड ये हमने लिखी है रीड, और ये यहाँ पे प्रॉपर डाटा डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिर्फ इसको चेक करने के लिए इसको मैं लोड करता हूँ। तो ये पुराने रिकॉर्ड देखे शो कर रहा है, तो इसमें टू अगर मैं करता हूँ वो टू वाले को उठा लेगा। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू आइटम की जगह अपडेट न्यूज़ आइटम इसको हम चेंज करना चाहिए, अपडेट न्यूज़ आइटम ये चीज़ होगी। और अभी हम इसमें अब इस चीज़ को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कॉल होगी जब फॉर्म आप सबमिट करेंगे तो ये चीज़ कॉल होगी। और फॉर्म सबमिट में आप देखें हमने एक चीज़ और इसमें चेंज करनी है कि वेलकम ऐड की जगह यहाँ पे अपडेट लिखना है, ताकि ये ऐड की जगह इसकी जगह इसको कॉल करे, क्योंकि ये अपडेट का कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए ना। तो आगे हम देखते हैं इसमें यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे ये आपका कॉल होगा मॉडल, ये वाला मॉडल कॉल होगा, और आईडी इसमें साथ में मेंशन हो रही है, और पोस्ट में ये क्योंकि सेम वेरिएबल है ये चीज़ ऑलमोस्ट ऐसे ही होगी सिवाय इसके कि ये वाली लाइन चेंज होगी। तो अब ये मैं कह रहा था ना वहाँ से हमें वो ज़रूरत पड़ेगी, ये हम वहाँ से अब इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि रिप्लेस डीबी इंसर्ट की जगह रिप्लेस आ जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, ये वैल्यूज़ और दिस मेथड एक्सक्यूट रिप्लेस स्टेटमेंट विच इज़ बेसिकली इसका स्टेटमेंट डिलीट प्लस इंसर्ट यूजिंग प्राइमरी एंड यूनिक की एज द स्टेटमेंट फैक्टर सेव्स। यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि पहले वो डिलीट करेगा, हालांकि दिस मेथड एक्सक्यूट रिप्लेस स्टेटमेंट विच इज़ बेसिकली द इसका स्टैंडर्ड। अच्छा हम ये चीज़ तो खैर नहीं करना चाह रहे हैं, टेबल डाटा टेबल इफ यू एज्यूम दैट टाइटल फील्ड इज अवर प्राइमरी की देन नहीं रिप्लेस ऑन यूज ऑफ सेट मेथड इज आल्सो अलाउड एज ऑल द फील्ड्स आर मेड स्किप जस्ट इंसर्ट सेट दिस फंक्शन इनेबल्स यू टू सेट वैल्यू फॉर इंसर्ट और अपडेट। अच्छा इंसर्ट इन टू नया रिकॉर्ड होगा, ये कुछ ज़्यादा बेहतर लग रहा है हमें अपने हिसाब से। गिव्स अपडेट माई टेबल ये चीज़ असल में हम चाह रहे थे, तो वो फिर ऊपर वाला नहीं करेंगे क्योंकि वो तो बात कर रहा है कि रिकॉर्ड डिलीट करने की बात कर रहा है, जबकि हम तो रिकॉर्ड डिलीट नहीं करना चाह रहे। अच्छा सेट विल ऑल्सो सेट स्किप दैट विल प्रिवेंट डाटा फ्रॉम बींग स्किप्ड इफ सेट टू फॉल्स टू स्टेट। मेरा हमें फॉल्स वगैरह तो सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मतलब अरे में इकट्ठा भी हम सेट करवा सकते हैं, अपडेट 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 वेयर आईडी। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा सही लग रही है, मैं इसी को फॉलो करता हूँ। अच्छा ये कह रहा है जी और यू कैन अप्लाई ऑब्जेक्ट, वो नहीं करना चाह रहे। अपडेट माई टेबल डाटा और आईडी इज इक्वल टू 4 और सिंपली अपडेट डाटा, डाटा में वो डाटा होना चाहिए और आईडी में आईडी होनी चाहिए। तो सही है, हमें मैं इस तरह भी नहीं करना चाह रहा, मैं ये चीज़ फॉलो करता हूँ। तो देखते हैं, तो मकसद हमारा ये है कि वो हमारा क्रूड ऑपरेशन जो है वो भी पूरा हो जाए। तो जनाब इसमें हम वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी और टाइटल में हमारा जो
ये इनपुट पोस्ट टाइटल है, ये चीज़ आई है, इसको मैं ऐसे ही टाइटल में दे देता हूँ। और दूसरी चीज़ हमारे पास उसका टेक्स है, वो टेक्स में आ जाएगा टेक्स, और यहाँ पे भी टेक्स ही आ जाएगा। ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो अभी कुछ बात बनती नज़र आ रही है कि ये बल्कि ये हम डाटा ऊपर वो दिया हुआ है, दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने नोट नहीं किया, तो इसको मैं चले कमेंट कर देता हूँ। और उसमें ये भी अच्छी बात है कि साथ में स्लग भी जा रहा है, और यहाँ पे इंडेंटेशन का इशू आ रहा है। इंडेंटेशन बहुत अच्छी है, अगर आप इसको फिक्स कर दें। जी फिक्स मैंने कर दिया है, डाटा पास हो रहा है, माई टेबल की जगह आ जाएगा न्यूज़, क्योंकि टेबल का नाम न्यूज़ है। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास रेडी है, इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। और अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो उम्मीद है कि ये अब ठीक चलेगा। और इसमें आप देखें, मैं छोटी सी चेंज करता हूँ इसका 0.1, और इसको भी 1.1 कर देता हूँ। तो अपडेट करते हैं, तो हमारे पास एरर आ गया है, टू फ्यू आर्गुमेंट्स फॉर द फंक्शन वेलकम अपडेट, जीरो पास्ट, एग्जैक्टली वन एक्सपेक्टेड, जीरो पास्ट। अच्छा, ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें अपडेट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे जिस तरह वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, तो अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें, ये ट्राई करने वाली बात है। जिस तरह यहाँ पे आईडी मेंशन, रे के अंदर आईडी मेंशन किया, हम चले इस तरह करके देख लेते हैं। क्योंकि चीज़ अगर एक तरीके से नहीं चलती है, तो फिर आप दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं इसको। फिर हमें ये वेयर देने की ज़रूरत नहीं है, इस हिसाब से अगर वो चल जाता है तो मैं यहाँ पे सिंपली रीलोड करता हूँ, ताकि सारा डाटा वही सबमिट हो। लेकिन ये यहाँ पे भी टू फ्यू आर्गुमेंट्स टू फंक्शन वेलकम अपडेट जीरो पास्ट इन, अच्छा एग्जैक्टली वन एक्सपेक्टेड, एप्लीकेशन इज में 46, 46, तो यही लाइन बनती है लाइन नंबर 46, 46। तो मतलब कॉल जो हमने की है, मेन मेरे ख्याल में यही बात है कि इस फंक्शन इसको, हाँ अब समझ आ रही है। इसमें देखिए ऊपर हमारे पास आपको अपने एरर्स को फाइंड आउट करने की भी सलाहियत होनी चाहिए। तो हमें ये देखिए अपडेट ये ऊपर है, ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे आईडी हो, तो उसका फिर हमारे पास हल ये है कि हम जब यहाँ पे अपडेट में ये चीज़ लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम साथ में उसकी आईडी भी मेंशन यहीं पे कर दें। तो आईडी कैसे मेंशन होगी, ये चीज़ तो हमारे पास आ रही है ऑलरेडी, ये हमारे पास डेटा में आ रही है, तो यहाँ पे हम साथ में आईडी यहाँ पे लिख देते हैं। बल्कि हमें वो ये साथ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो पीएचपी के जो है वो कोड चल रहा है, तो इसके साथ सिर्फ कंकेटिनेशन करने की ज़रूरत है। तो और मैं देख भी लूँ कि जो हमारे पास ये न्यूज़ वाला वेरिएबल है, ये अपडेट के ऊपर, बल्कि यहाँ पे ये ऑलमोस्ट सबको ही, ये हमने पहले भी चेक किया है कि ये सारे ही वैल्यूज़ पास कर रहा है। तो बहरहाल देखते हैं अभी ट्राई करके इसको। मैं समझ रहा था शायद वो दूसरे इशू की वजह से ये कोड नहीं चल रहा है, तो अभी मैं इसको रहने देता हूँ और यही चलाता हूँ। बल्कि इसको मैं डबल कर लूँ, ताकि मुझे वो पता चले कि हमने ये ऐसे किया था तो ये नहीं चला था। तो इसलिए इस तरह कमेंट और अनकमेंट हम कर देते हैं चीज़ें, ताकि ताकि हमें पुराना कोड अगर नहीं चल रहा तो उसको अनकमेंट या कमेंट कर लें। तो अभी हम चलें इसको ट्राई करते हैं,
और इसको वापस जाना पड़ेगा क्योंकि फॉर्म यहाँ पे इसको रीलोड ज़रूरी है। तो अभी इसको मैं देता हूँ 1 और यहाँ पे भी 0.1 कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको रीलोड करता हूँ और चेक करता हूँ, बल्कि रीलोड कर चुका हूँ, उसको अब सबमिट करने की ज़रूरत है। तो ये बता रहा है कि उसको अपडेट कर दिया है। तो कंफर्म कैसे होगा, हम डेटाबेस को चेक करें या इसी पेज को यहाँ पे क्लिक करके प्रेस करेंगे तो ये अपडेटेड वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। मज़ीद कंफर्मेशन चाहते हैं तो फिर हमें इस न्यूज़ वाले टेबल के अंदर जाके हम देख सकते हैं टाइटल स्लग, ये सारी उसी तरह देखें हो गया है। तो स्लग में हमने देखा है ये जो आपका टाइटल है उसमें से स्पेसेस वगैरह निकाल देता है तो उसकी जगह डैश डाल देता है, जो कि हमने यहाँ पे ये फंक्शन इस्तेमाल किया, ये इनका बिल्ड इन हेल्पर फंक्शन है। तो हमारा हम देख सकते हैं कि ये अपडेट वाला फंक्शन भी काम कर रहा है। तो अब हमारे पास क्रूड ऑपरेशन में एक रिमूव के नाम से ऑपरेशन है वो रह रहा है, तो उसके लिए भी हम यहीं पे एक एंट्री डाल देते हैं, डिलीट डिलीट आर्टिकल। तो उसमें सिंपली ये डिलीट या रिमूव जो भी आप नाम चूज़ करना चाहें वो लिख दें। और ये अब कंट्रोलर में आके हम इसी तरह एक डिलीट के नाम से एंट्री लिखते हैं और उसको आईडी ही एक्सपेक्टेड है। यानी आप एक दफ़ा क्रूड ऑपरेशन सीख जाएं तो इसका मतलब यह है कि आप ऑलमोस्ट उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर हमें डॉक्यूमेंटेशन को भी थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंटेशन में जिस तरह के हमने अपडेट अपडेट के ये हमने कर लिया है, और अभी आ जाता है डिलीट का। तो डिलीट का बहुत सिंपल लग रहा है कोड, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं न्यूज़ के जो मॉडल है उसके अंदर पेस्ट करता हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है इसके साथ। और इसको हम थोड़ा सा फिक्स करते हैं नाम, इसका इसका नाम भी फिर हम डिलीट रख देते हैं। वेयर आईडी ये और डिलीट, और यहाँ पे टेबल का नाम न्यूज़, यानी आईडी उसको पास की तो उसको डिलीट कर देना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ हम एक चीज़ चेक करनी चाहिए कि, बल्कि आईडी तो आ ही रही होगी क्योंकि यहाँ पे जब हम डिस्प्ले करवा रहे हैं यहाँ पे तो आईडीज़ हम ये पास हो ही रही हैं, तो नल आईडी वाली तो बात नहीं है। लेकिन इसमें अब एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे कंफर्मेशन एक दफ़ा लें कि आर यू श्योर समथिंग, तो वो अभी हम नहीं कर रहे। हम बस अब स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना ये क्रूड ऑपरेशन जो है ये इसको पूरा करना चाहते हैं। तो जिस तरह हमने ये चीज़ लिखी है ये ऑलमोस्ट ऐसे ही होगा। तो जो हमारा ये सक्सेसफुल हमारा ये व्यू है इसको हम चेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ हम बना लें, जिस तरह सक्सेस ऐड, सक्सेस अपडेट, सक्सेस डिलीट, इस तरह के व्यूज़ बना लें तो हर एक के वो मैसेज फिर रेलिवेंट मैसेज डिस्प्ले करें। और दूसरी बात यह कि हम ये ऊपर हेडर फुटर भी साथ शो करवा देते ना तो व्यूज़ के टेम्पलेट बना के, तो वो फिर और ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है। लेकिन अभी हमारा मकसद प्रेजेंटेशन नहीं है, तो अभी हम इसको रिमूव करते हैं और देखते हैं रिकॉर्ड रिमूव हो रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम वापस उधर लिस्ट पे आते हैं और यहाँ पे हमने बनाया था टेस्ट, मेरे ख्याल है टेस्ट 1 के नाम से हमने लिस्टिंग के लिए बनाया था टेस्ट 1।
ये एक्शन बनाया था और इसमें अब डिलीट के नाम से भी हमारे पास ये लिंक एक आ रहा है, इसको हम डिलीट पे क्लिक करते हैं और वापस सक्सेस पे ये हमारी एंट्री पहुंच गई है। तो यहाँ से हम डेटाबेस में लोड करके भी हम चेक कर सकते हैं ये फिज़िकली यहाँ से निकल गया है। और अगर हमारे पास अभी हेडर फुटर होते तो ऊपर हम होम पे क्लिक करके मेन उसी लिस्टिंग वाले पेज पे वापस जा सकते थे, इस तरह test1। तो अभी एक ही रिकॉर्ड आ रहा है, तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक लिंक होना चाहिए था एड न्यूज़ समथिंग, तो उसका नाम मैं देख लेता हूँ, ऐड के नाम से ही है ऐड। एक और न्यूज़ ऐड कर लेते हैं, न्यूज़ 3 और एक डॉट के साथ, और फिर इसमें टेस्ट। तो हमारे ये अब ऑलमोस्ट क्रूड ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन अभी ये एप्लीकेशन नहीं कह सकते, फुली फंक्शनल नहीं कह सकते, जैसे कि ये काम इस तरह ओपनली नहीं होने चाहिए, यानी यूज़र लॉगिन मैनेजमेंट होनी चाहिए, लॉग्ड इन होने के बाद ये ऑपरेशन अलाउ करने चाहिए। तो लॉगिन का चैप्टर हमारा खैर अभी मौजू था भी नहीं, तो उसमें बहरहाल सेशन मैनेजमेंट होती है और ये चीज़ें फिर साथ साथ हम कर सकते हैं। तो अभी जो मेन आज का जो सवाल था, भट्ट साहब ने जो सवाल किया था उस हवाले से ये काम हमने किया है कि कोड इग्निटर कैसे हमने डाउनलोड किया है, इंस्टॉल किया है और उसमें क्रूड ऑपरेशन किए हैं। और मैंने भी काफ़ी अरसे के बाद इसमें ये काम किया है, क्योंकि मैंने जो पहले काम किया था वो इसके वर्जन 2 पे काम किया हुआ था, तो वर्जन 3 का भी ऑलमोस्ट मिलती जुलती चीज़ें हैं। अभी तो खैर मुझे वर्जन 2 का भी एग्जैक्ट याद नहीं क्या क्या चीज़ें उसमें थी, लेकिन ऑलमोस्ट काम करना है तो फिर ऐसे ही होगा, जैसे हिट एंड ट्राई, एक चीज़ देखी, हेल्प देखी, साथ कोड किया अपने हिसाब से। आपको ये चीज़ समझ होनी चाहिए कि अगर एक जगह से आप कोड कॉपी कर रहे हैं तो अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे वहाँ पे वो लिस्टिंग के लिए और तरीके से एक्शन बनाए हुए थे, हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक्शन बनाए, अपने हिसाब से लिस्टिंग की, तो इसकी प्रेजेंटेशन हम बहुत अच्छी भी कर सकते हैं। वो फिर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट जितनी अच्छी आती है उतनी अच्छी हो सकती है। और एक बात नोट करने वाली ये कि जो हमारे पास ये PHP माई एडमिन है, ये खुद भी देखें आप, एक वेब बेस्ड है, PHP में बना हुआ है, तो आप इस पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं कि अगर आपने रिकॉर्ड शो करने हैं किसी को तो ये चीज़ भी आप जहन में रख सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे लिस्टिंग देखें ये किस तरह दिखा रहे हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फिर अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह ताला हम इसमें गिट हब के वाले से कुछ देख सकते हैं कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ऑनलाइन, किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो गिट हब पे किस तरह आप एंट्रीज आप कर सकते हैं, यानी किसी के पुल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। बाज़ वक़्त आपकी छोटी सी छोटा सा काम दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो ऑलमोस्ट हमारा टाइम जो है वो अभी 2 घंटों के करीब होने लगा है जो रिकॉर्डिंग। वैसे तो हमने सोचा था कि इस पे हम थोड़े से टॉपिक को ही कवर करेंगे, लेकिन इस पे हम नहीं कर सके, तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट टाइम हम कर लेंगे। और ये ऑलमोस्ट हमारे ये चंद चैप्टर्स ही इसमें रहते हैं HTML के, यहाँ तक हमने एग्जाम्पल्स भी बल्कि नहीं करनी है, API तक करना है, मीडिया और API एग्जाम्पल, क्योंकि हमने साथ साथ ये करते रहे हैं, क्विजेज़ वगैरह ट्राई करते हैं, रेफरेंसेज हमने खुद स्किप किए हुए हैं कि ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट में जब ज़रूरत पड़े आप रेफरेंसेज में आके देख लें। फिर इंशाल्लाह हम ये CSS को ट्राई करेंगे, फिर JavaScript और फिर PHP। लेकिन ये कि इसी तरह बीच बीच में अगर कोई क्यूरी आती है, किसी की सवाल आता है, तो हम इसमें इस ट्रैक से हट के भी काम कर सकते हैं। तो बट साहब तो बीच में से निकल गए हैं अभी, क्योंकि कोई वो रिस्पांस नहीं दे रहे, लेकिन चलें रिकॉर्डिंग ये होगी है और इंशाल्लाह ताला इसको आप दोबारा भी देख सकते हैं।
तो ये एक लिहाज से हमारा कोऑर्डिनेटर के एक इंट्रोडक्टरी आप कह सकते हैं सेशन। इसमें हमने इसमें डाउनलोड किया है, इंस्टॉल को हमने देखा है, डेटाबेस को कॉन्फ़िगर किया है, और फिर सिंपल हमने इसके जो क्रूड क्रूड ऑपरेशन है उस पे हमने अमल किया है। तो जी आते भाई। मैं का मौजूद है सर। अच्छा, मैंने इसका माइक मैंने म्यूट कर दिया था वैसे। तो ऑलमोस्ट ये हमने क्रूड ऑपरेशन पूरे कर लिए हैं, तो आप बेशक बाद में रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल है सेशन फिर मैं अगर भाई भी आप किसी का भी माइक म्यूट कर सकते हैं ना। मैंने म्यूट किया है, लेकिन आप अनम्यूट कर सकते हैं ये बात मुझे नहीं पता। अच्छा मैं एक मिनट फिर म्यूट करता हूँ, आप मुझे बताएं आप अनम्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मैं भी म्यूट कर दिया है, और अभी आप ट्राई करें अनम्यूट करने की, या मुझे टेक्स्ट मैसेज में बता दें नहीं अगर हो रहा तो। गया अगर भाई अच्छा हो गया हो अच्छा रिमूव फ्रॉम मीटिंग। गया मतलब आप कहते हैं सारे मेरी बात सुने हैं, तो वह सबको म्यूट मुंह से कहने बजाय आप उसको आईटी बेस्ड उसको कैसे प्लीज साइलेंस। अच्छा, लेकिन ये फिर आप इसको अनम्यूट कर सकते हैं, तो फिर तो ये अच्छी बात नहीं है ना। मतलब एक बंदा तंग करने पे आ जाता है, तो फिर इसको किक आउट क्यों करें, जिस तरह ये किक आउट के लिए बटन है रिमूव फ्रॉम मीटिंग। तो फिर वो आया ना फिर आमिर भाई, तो आप किसी को बात करना चाहते हैं कि कोई और बात आए, जैसे अभी फर्ज कर रहे हैं कि इधर हम इधर बच्चे भी सो रहे हैं और सब लोग सो रहे हैं, मेरी भी आवाज़ आ रही थी आपने बंद कर दिया, ठीक है क्योंकि साथ साथ। हाँ जी ठीक ठीक है, है बहरहाल ये आप अच्छा है। मतलब अगर दूसरे बंदे को आपने म्यूट किया है, और उसको बाद में होता है कि यार चलें वो बात दूसरा कंप्लीट कर ले फिर मैं बोलता हूँ, तो वो फिर अनम्यूट करके वो फिर शामिल हो जाए बीच में, और एक लिहाज से तो अच्छा ही है। जैसे अभी आप आपने अनम्यूट करके मुझे अपनी प्रेजेंस बता दी है, तो वरना मैं यही समझता रहता मैं कि आप शायद उठ गए हैं या चले गए हैं किधर। मैं यही समझता रहता कि आप शायद ऑन करके वॉशरूम चले गए हैं या किसी भी वजह से उठ गए हैं। सही तो काफी अच्छा था अभी सेशन बीच में, काफी कोई फिर मजा भी हरा अच्छा सेशन था, मतलब सीखने वाली चीजें थी। मतलब इसको ये है कि मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है जो मैं क्लोजिंग करना चाह रहा हूँ, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपको जो मेन फंक्शन साइड पे पड़े होते हैं जैसे सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट और ओरिएंटेशन में काम करते हैं हम, तो वो इसी तरह आपको उसमें आपने प्रोग्राम फंक्शन लेता है कॉल की छोटे छोटे फंक्शन कॉल किए, 3-4 लाइनों का फंक्शन है और सारी प्रोग्राम है वो जो आप बना रहे हैं ये देखिए छोटे छोटे, और बाकी जी सारा प्रोग्राम बैक एंड पे दूसरी दूसरी फाइलों के अंदर पड़ा है, जी बस आपने देखिए ये कॉल कर। मुझे ये मज़े की चीज़ है ना, ये डेटाबेस को क्यूरी करनी बेसिकली ये चीज़ एक लाइन है, ये बेसिकली क्यूरी करने के लिए एक एक लाइन है। और इसी तरह जिस तरह हमने ये देखा है कि इसको अपडेट करना है, तो ये दो लाइनें हैं, आईडी पास करनी है और साथ में वैल्यूज़ उसकी पास करनी है, और रिमूव के सही लिए भी यही दो लाइनें हैं। तो मतलब वैसे आप अगर काम करें जिस तरह आपने कोर पीएचपी में काम किया है, आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें यही चीज़ें करते हुए मुश्किल होती बहुत है, टाइम होता टाइम जी लगता है। अमर तो फ्रेमवर्क की वजह से फिर आसानी हो जाती है। और ये जो फ्रेमवर्क है ना कोऑर्डिनेटर, इसको इसको लोग पसंद करते हैं कि एक तो ये किसके कहते हैं स्पीड बहुत अच्छी है, बल्कि यहाँ पे ये अगर आप इसके मेन पे जाएं ना, तो ये उसकी वो स्पीड भी साथ मेंशन कर रहा होता है कितनी देर में लोड किया है, मतलब आधे सेकंड में पेज, मतलब ये ऑलमोस्ट इसको क्यूरी कर रहा है। मतलब अभी तो खैर डेटाबेस में रिकॉर्ड थोड़े से हैं, अभी दोबारा रीलोड पे और कम कर दिया, लेकिन जब ज़्यादा रिकॉर्ड हों तो फिर शायद ये उस हिसाब से देर लगाएगा, क्योंकि ये हो सकता है बैकग्राउंड पे ये कुछ इसकी वो क्या कहते हैं टेम्परेरी फाइल बनाता होगा जी। टेम्परेरी टॉप, इसको क्या बोलते हैं कैशिंग, हाँ कैशिंग कर रहा हो सकता है, तो उस वजह से फिर स्पीड देखें अब ये रीलोड पे इसने और ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी है, अब विद इन माइक्रो सेकेंड मिली सेकेंड। तो मतलब इसको पसंद करते हैं लोग इस वजह से ही, और फिर इसको स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट पुराने वर्जन में ये चीज़ ज़्यादा थी, अभी नए में शायद उतनी ज़्यादा नहीं है, कि इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करें तो ये ऑलमोस्ट चल पड़ता है, कोई इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी जो पहले वर्जन से। अभी
शायद उस तरह ये नहीं रही है इसकी रिक्वायरमेंट वाली बात, लेकिन यहाँ पे अब मेरे पास ये उसी तरह चल गया, क्योंकि हो सकता है मैंने इसमें और चीज़ें भी इंस्टॉल की हुई अपने पास जो मेरी लिनक्स इंस्टॉल हुई हुई है, तो शायद इस वजह से इसने ज़्यादा इशू नहीं किया है, क्योंकि मैंने और सही चीज़ें इसमें एक्सटेंशंस वगैरह इनेबल करनी पड़ती हैं। आप वैसे अपने पास ट्राई कीजिएगा, फिर कुछ अंदाज़ा होगा, जी, ठीक है। ये लोकली अपने पास कीजिएगा ना, एक्सटेंशन वगैरह ऑन करनी पड़ती हैं। अगर वो वैम सर्वर आपने किया हुआ ना, या जैम सर्वर किया हुआ है, मैंने XAMPP रैम, जैम सर्वर ही बोलते हैं जी, वो किया हुआ है, उसमें आप इसको भी डाउनलोड देखें, मेरे ख्याल कॉपी पेस्ट करने से ये चल जाना चाहिए। और मेरा चल रहा है, मैं आपको कहता हूँ कि मेरा तो चल रहा है कोऑर्डिनेटर। अच्छा, कोडिंग डेटा आपके पास चल रहा है, ठीक है, ज़बरदस्त जी। फिर तो आप स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं, जी, मैं दिखा देता हूँ। आप स्क्रीन शेयर करें ना, तो मैं फिर यहाँ पे आपको इनेबल कर देता हूँ। यहाँ पे एक अभी भी आपका आ रहा है प्रिंटिंग, मेरा क्या चाहेगा टॉम नॉन जहाँ पे कैप्चर। ये बटन नहीं बने हुए आपके ये वीडियो ऑडियो के, उसकी राइट साइड पे ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होगी, इस पे डॉटेड लाइंस तीन आ रही होंगी, उस पे क्लिक करेंगे तो जिधर मैंने अभी क्लिक किया है ना, अगर मेरी आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ना, हाँ, ये लिखा हुआ आमिर भाई पर बैठे का मेरा आ गया, ठीक है, मिल गया, अच्छा सही है, वही मिल गया। ये आमिर भी आ गया इंटायर स्क्रीन। आमिर भी नजर आ रहा है आपको? हाँ जी, आनी शुरू हो गया जी स्क्रीन। ये मेरा स्टोरी है। इसमें अभी ये वाला जो है कोड एग्जीक्यूटर मेरा इंस्टॉल है इसमें। हाँ, हाँ ठीक है, ये आप लोकली चला रहे हैं, सही सही सही। तो उसमें ट्यूटोरियल भी आपने चला के चेक किया है, कुछ उसमें वो काम किया है जिस तरह वो ट्यूटोरियल में? ये वेलकम है, ये इसका यूजर गाइड है। सही, इसमें लेकिन आपने वो कंट्रोलर वगैरह कुछ नहीं बनाया अभी? अभी बनाया नहीं है, मैंने तो इंस्टॉल किया है। और लाइक चलो ठीक है, इसका आप ट्यूटोरियल फॉलो करें। आपने मुझे असाइनमेंट जो दी थी ना, आपको पता है मेरी आदत है, मैं अपना भी काम कर रहा था, लेकिन वो आपने कहा था आप इसको देख लीजिएगा, आपके पास होना चाहिए। मैंने कर लिया, हो गया, फिर मैंने थोड़ा सा देखा कि कैसे कर रहा है, तो पर आप फिर मैंने कहा चले लेक्चर आपकी होगी, आपने आपने कहा था कि क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, आप पहले इंस्टॉल तो करें ना, ये असल काम इंस्टॉल करना है, मैंने वो कर लिया। हाँ, ये बेसिक काम तो यही है कि पहले इंस्टॉल हो। अच्छा, सेशन ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का हो गया है, जी हाँ तो भाई, अभी मेरे ख्याल है मैं भी क्लोज़ करता हूँ, कुछ मेरी और वो चीज़ें पेंडिंग हैं, वो काम करने हैं। ये ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है, जुदा जुदा कर ला, बड़ा अच्छा रजिस्ट्रेशन। हाँ नहीं, आप इसके बाद में रिकॉर्डिंग मैं चंद दिनों बाद इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, तो फिर आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई, ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह सलाम। हाफिज़। जी, हमारा ये सेशन बहुत अच्छा रहा है, तो नेक्स्ट टाइम देखिए, अगर आपके जहन में भी कोई सवालात हैं कोऑर्डिनेटर के वाले से, कोई सवाल है, कोई इश्यू है, या आपने ट्राई किया नहीं हुआ है, तो आप बताएं हमें, तो हम भी कोशिश करेंगे इसको फिक्स करने की, या जितनी हद तक हो सकता है काम वो साथ आपके एक्सप्लोर करने की। तो इंशाल्लाह ताला फिर ज़िंदगी रही तो फिर कल मिलते हैं, नेक्स्ट यानी कि सैटरडे को। अस्सलाम वालेकुम।